बहुत ज्यादा और दे वांट टू बी एसोसिएटेड और ये नहीं है बहुत से रिलीजियस अपोलोजिस्ट भी कहते हैं मार्क की इजाजत है बहुत से रिलीजियस अपोलोजिस्ट तो अगर ये शिकवा हम नहीं करता तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदिया टॉक्स. आज का टॉपिक है ऑनर किलिंग्स इन पाकिस्तान. मेरे साथ हैं रुस्तम शाह, उसके बाद IW भी आएंगे, हेड्रियन भी आएंगे, डॉक्टर ना पाकिस्तानी और अब्दुल्ला. इसके अलावा कोई भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे एंड हैज समथिंग टू से अबाउट दिस टॉपिक प्लीज ज्वाइन. मैं लिंक थोड़ी देर में शेयर करूँगी. जी रुस्तम, वेलकम. जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. और बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे ख्याल में, जिस पे जितनी बात की जाए वो कम है. तो देखिए, अच्छी अच्छी होपफुली गुफ्तगू होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड हेलो टू एवरीवन. या तो हमने ये स्ट्रीम इसलिए रखी कि कुछ दिन पहले पेशावर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक खातून अपने हस्बैंड के साथ, सही हमें स्टोरी तो नहीं पता चलेगी कि क्या चक्कर था, लेकिन अपेरेंटली ये इशू था कि शी वांटेड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड और खुला के लिए वो कोर्ट की तरफ जा रही थी. एक या दो साल से इशू चल रहा था, उनका एक बच्चा भी था 5-6 साल का, और जो आदमी है उसने उसको आया, उसने गोली मारी और बच्चा जो है अपनी माँ के साथ, माँ यू नो सड़क पे शी डाइड राइट अवे और बच्चा माँ के साथ बैठा हुआ है. और यू नो बहुत ही दिल खराब करने वाली यू नो पिक्चर थी. तो उसके बाद दोबारा से इस इशू की तरफ हमारी नजरें पड़ी कि यू नो दिस स्टिल एग्जिस्ट, इट्स 2023 पाकिस्तान. मतलब पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है. आप कुछ दिन उसके बारे में बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कुछ और इंसिडेंट हो जाता है, फिर उसके बारे में बात करते हैं, इस तरह से यू नो होता है. लेकिन इशू कभी सॉल्व नहीं होता, दे जस्ट एग्जिस्ट देयर. तो स्पेशली इस टॉपिक के बाद ये डिबेट शुरू हो गई कि ये जो है ना ये कल्चर है, ये इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है. तो इसलिए हमने ये वाली स्ट्रीम रखी कि इस पर डिस्कस करें कि क्या इशू है, वाई दिस इज सो प्रेवलेंट इन पाकिस्तान एंड इन सम अदर कंजर्वेटिव कंट्रीज, और क्या इसके पीछे वाकई कस्टम्स हैं, कल्चर है, इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, या मजहब प्लेज अ पार्ट इन इट. तो डॉक्टर ना पाकिस्तानी ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो मैं इन सबकी इनपुट लूंगी और उसके बाद फिर यू नो आई विल शेयर व्हाट आई हैव टू से अबाउट इट. वेलकम डॉक्टर ना पाकिस्तानी. थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है. परफेक्शन. तो आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए कि क्या 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 है इसके पीछे. जाहिर है कंट्रीब्यूशन तो बहुत दोनों का ही है, बट व्हाट हैज मेजर रोल एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट. चलें, मैं डॉक्टर साहब, मेरी आवाज जो है वो वापस आ रही है. अच्छा, मैं आपका पीछे से कोई YouTube तो नहीं ऑन, विंडो शायद उसकी ऑन हो YouTube की, उसको आप म्यूट करते बेशक. Is it, let's see if it is okay now. Yes, it's okay now. वो मेरे ख्याल डॉक्टर साहब की तरफ से आवाज़ वापस आ रही थी. अच्छा, आपने कहा कि इसका ताल्लुक जो है वो कल्चर से है या रिलीजन से है. देखिए, अगर आप इन जनरल कल्चर्स को देखें तो कल्चर्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको रिलीजन्स मॉडिफाई करते हैं. रिलीजन्स जो है वो वक्त के साथ साथ जो मजहबी अकायद होते हैं वो जो कल्चरल वैल्यूज होते हैं उनको बदलते भी हैं, उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज भी कर देते हैं. अगर आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान का कल्चर जो है वो है कि खवातीन जो है वो सर के ऊपर दुपट्टा लें. यही हमारे पास इंडिया में राजस्थान में कल्चर है कि खवातीन सर पे दुपट्टा लें. लेकिन रफ्ता रफ्ता आप देख रही हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर मिसाल के तौर पर हिजाब या बुरके का कल्चर जो है वो आम होता जा रहा है.
अब इसको जो है वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं कि ये मजहबी एक चीज़ है जो कि कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता माशरे के अंदर ये चीज़ फैल रही है। हम ये नहीं कह सकेंगे, शायद वाली बात है कि हम ये ना कह सकें कि गैरत का नाम के ऊपर जो कत्ल है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म इस्लाम से दिया गया है, लेकिन हम कम अज़ कम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो उसकी जो बुनियादें हैं, जो उसके पीछे जो मंतकी दलाइल हैं या जो इस तरह की जो उसका बैकग्राउंड है आप कह लीजिए, हम ये कह सकेंगे शायद कि उसका बैकग्राउंड कम अज़ कम जो है वो उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक इस्लाम से ज़रूर है, क्योंकि यकीनन जो है वो आज से 1400 साल पहले AK-47 तो होती नहीं थी जिससे जो है वो ख्वातीन को मारा जाता था। तो ये जो ऑनर कल्चर है, जो गैरत के नाम पर कत्ल है, हम ये कह सकेंगे कि इसकी बुनियाद कम अज़ कम इस्लाम है। अगर कोई ये कहे कि ये इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया, ठीक है, हम ये माना जा सकता है कि नहीं दिया, लेकिन जो बुनियादें हैं वो आपको मजहब में ही मिलेंगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने बल्कि एक चीज़ शेयर करनी थी, मैंने इसके बारे में डॉक्टर नाभा के सामने, अगर आपको याद हो मैंने कुछ अर्से पहले एक स्ट्रीम भी की थी इसके बारे में कि जो गैरत है, क्योंकि उससे उस वक्त भी कोई ऑनर किलिंग पे कुछ हुआ था। व्हाट इज दिस, लेट मी शेयर समथिंग, स्टॉप स्क्रीन, ऑलराइट, मैं इसको शेयर करना चाह रही थी। रुस्तम, आप बीच में कुछ फिल इन करें ताकि मैं ये खोल रही हूँ। जी, मैं इस बात से एग्री करूंगा जो भी डॉक्टर ना पाकिस्तानी कह रहे थे कि मेरे ख्याल में एक्सप्लिसिटली तो आप इसको नहीं कह सकते कि मजहब के अंदर आपको इस बात की तालीम दी गई होगी जी आपने औरतों को या इस तरह ऑनर के नाम पे जो है ख़त्म कर देना है, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि इस्लाम ने ख़ास तौर पे ये ज़रूर किया है कि उन्होंने उसके ऊपर एक और जो है एक तरह से पाबंदी थोड़ी सी और आयद कर दी, क्योंकि इस्लाम आपको जनरली बहुत सारी पाबंदियों का शिकार करता है, मतलब ख्वातीन के लिए और बहुत सारी पाबंदी है कि उन्होंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर्दा करना है, वो ये काम कर सकती हैं, वो ये नहीं कर सकती, वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, फलाने फलाने फलाने। तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक ऐसे ही माशरे में जहाँ पहले इस तरह का कल्चर था जहाँ पर ख्वातीन को जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता था, जहाँ पर उनको ये समझा जाता था कि जी इनको प्रोटेक्ट करना है फॉर सम रीज़न, यू नो, कि वो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वहाँ इस्लाम जैसे मजहब ने आके उसके ऊपर एक और वो जैसे है ना जल्दी पे तेल का काम कर दिया। अब वो एक और मुसीबत जो पहले थी वो अब ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो बिल्कुल, अब इस्लाम अब उनको जो है पहले जो था कि अगर वो कल्चरली था तो उसमें कल्चर के अंदर ये होता है कि आप कल्चर के अंदर थोड़ी सी डिविएशन कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे माशरा आगे बढ़ता है तो आप ये कह सकते हैं कि जी आप ये पुराने ज़माने की बात है, इसको हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो वो उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत हद तक इसमें कमी आ चुकी है। वहाँ पर भी किसी ज़माने में इस तरह की कल्चर के नाम पर या रिलीजन के नाम पर शायद ना हो, लेकिन कल्चर के नाम पर इस तरह के काम होते थे और अब भी शायद होते हों, लेकिन अब उसकी उतनी नहीं है और उसको माशरे में एक तौर पर गलत समझा जाता है, मतलब एक जनरली एक्सेप्टेंस ये है गवर्नमेंट की या कवानीन की, वो पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में मसला वो ये है कि उनके ऊपर एक इस्लाम का ठप्पा लग गया और इस्लाम ने आके उसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऑल्दो कि वो उसको डायरेक्टली तो शायद ये ना कहता हो कि जी तुमने जाके उसको मारना ये करना वो करना, लेकिन वो आपको ज़रूर इस तरह की बातें करते हैं जो उस प्रैक्टिस से जो इस माशरे में पहले से मौजूद थी बहुत मिलती जुलती हैं, और वो उसको जाके फिर और ज़्यादा जो है पेचीदा कर देता है मामले को। अच्छा, मैं अब इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि क्या असल में क्या होता चला आया है। कल्चर जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जब आया दुनिया में, तो यू नो, जैसे जैसे हंटर गैदर सोसाइटी से हम मूव हुए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज अडॉप्ट हुई, फिर लोगों ने बस्तियां बसाई, जो खवातीन हैं और बच्चे हैं और जो जाती प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी में आए मर्दों की, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये इवॉल्व होता चला गया। मजाहिब ने क्या किया कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि खवातीन और बच्चे जो हैं मर्द की मिल्कियत हैं, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, मजाहिब ने इसको बकायदा से इंस्टीट्यूशनलाइज किया, इसको अपने अपने डॉक्ट्राइन्स में डाला
और उसके ऊपर लाइक स्टिपुलेशंस लगाएं कि खवातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, खवातीन ये काम नहीं कर सकती, यू नो मेकअप नहीं कर सकती, अपने यू नो जीनत बाहर नहीं दिखा सकती, अपने आप को कवर करें. Basically, why they are covering? Because they are owner of that man, जो उनको own करता है. अब आप कह रहे हैं कि जो गैरत है वो directly इस्लाम से नहीं आई. तो मैं अगर आप sunnah.com पर जाएं और लफ्ज गीरा टाइप करें, गीरा अरबी का लफ्ज है, उसका मतलब है गैरत, तो आपको कई हदीसें मिलेंगी जिसमें कि अल्लाह के पास भी गैरत है. और उसमें से ये हदीस जो सबसे ज्यादा आपको स्ट्राइक करती है, इसमें यह है कि साद बिन इबादा, Saad bin Ubadah said, if I found a man with my wife, I would kill him with the sharp side of my sword. When Prophet heard that, he said, do you wonder at Saad's sense of ghira, self-respect? Verily, I have more sense of ghira than Saad, and Allah has more sense of ghira than I. Ab ye dekhein ki ek shakhs jo hai, wo ye keh raha hai ki agar maine apni biwi ko kisi aur aadmi ke saath dekh liya, to main usko ab pata nahi kill him, तो मैं उस आदमी को अपनी सोर्ड से कत्ल कर दूंगा. तो इस पे बजाय ये कि वायलेंस को मना किया जाता या उसको कंडेम किया जाता, एक जो उसको बड़े एक फखर की चीज बना दिया और उसको गैरत बना दिया कि इट्स लाइक ऑनर है आपकी कि किसी को मारना या कत्ल करना, सिर्फ आपने उसको अपनी बीवी के साथ देख लिया है. तो एक तो ये कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ऊपर से वायलेंस को प्रमोट करती है हदीस. उसमें कह रहे हैं कि अल्लाह के पास मेरे पास गैरत सात से ज्यादा और अल्लाह के पास उससे भी ज्यादा गैरत है. तो अल्लाह इज अ गाय, दैट मींस के अल्लाह इज इक्विवेलेंट टू मैन. तो ये एक जो बड़ी डिस्टर्बिंग हदीस है. तो अगर आप कहते हैं कि इस्लाम से नहीं आता गैरत का कॉन्सेप्ट और ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये हदीस जो है प्रूफ है कि आता है इस्लाम से कॉन्सेप्ट. अब ये है कि देखना ये है कि कौन सी सोसाइटीज में आपको ऑनर किलिंग ज्यादा नजर आएगी. तो फॉर दैट रीजन आई विल शो यू, मैं एक और विकीपीडिया का जो है यहाँ से मैं शेयर करती हूँ और मैं फिर इसको आप लोगों को बताती भी हूँ कि क्योंकि सारा तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, बट आई विल टेल यू कि इसमें ये क्या बात हो रही है. अब मैंने इसको थोड़ा सा यू नो लाइक अगर आप सर्च करें तो ये ऑनर किलिंग की डेफिनेशन है कि शेम किलिंग, मर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल ईदर एन आउटसाइडर और मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है. एंड मोस्टली इट इज डन बाय मेन, आदमी करते हैं जो औरतों को मारते हैं, ठीक है. उसकी वजह यही है कि हायरार्कल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है. एक आपकी हायरार्की है कि मर्द ऊपर हैं, खवातीन नीचे हैं. सेक्सुअलिटी जाहिर है सारा मकसद इसका है कि खवातीन की आज़ादी को कंट्रोल किया जाए, उनकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल किया जाए. और मोस्टली ये ऑनर के लिए भी होते हैं और इसलिए भी कत्ल किया जाता है ताकि प्रॉपर्टी जो है देनी ना पड़ जाए. तो उनको ऑनर के नाम पर इल्ज़ाम लगाकर उनको मार देते हैं. ज़ाहिर है इसको कारोकारी बोलते हैं पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, और ज़ाहिर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती. ट्राइबल सिस्टम भी है इन इलाकों में और उसमें यू नो ब्लड फ्यूड्स होते हैं, मर्द मर्दों को भी मारते हैं. और उसमें पता है कि अगर एक कबीले के मर्दों ने किसी को दूसरे को मार दिया तो फिर सुलह के तौर पे खवातीन को पेश किया जाता है, खवातीन की शादी उस दूसरे कबीले में कर दी जाती है. तो ये वही कि खवातीन को प्रॉपर्टी के तौर पर तसव्वुर किया जाता है. अब ये ट्राइब्स क्यों इवॉल्व नहीं हुए हैं और क्या इंडिपेंडेंटली दुनिया में कुछ और ट्राइब्स भी हैं जो ये ऑनर किलिंग को प्रैक्टिस करते हैं? यस दे डू. लाइक अगर इसके लेट मी गो टू द, पहले मैं यहां से इसको पढ़ती हूँ जो पॉइंट्स मैं बताना चाह रही थी कि कंजर्वेटिव फंडामेंटल पेट्रियार्कल सोसाइटीज में ये की जाती है ऑनर किलिंग. 2009 में यूरोपियन पार्लियामेंट्री असेंबली ने इस चीज को उठाया कि ऑनर बेस्ड वायलेंस जो है उन्होंने यूरोप में भी देखी. तो उसके बाद काफी यू नो इससे पहले तो ये नहीं होता था क्योंकि बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो पहुंचे यूरोप में, तो उन्होंने फिर ये जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स थे उन्होंने सेकंड और थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स को, यानी कि जो माँ बाप मूव हुए थे उन्होंने अपने बच्चों को और अपने यू नो जो पोते पोतियां उनको कंट्रोल करना शुरू किया. इस ऑनर बेस्ड किलिंग्स बहुत सारी तादाद में सामने आई. तो इन्होंने फिर लॉ पास किया ऑनर बेस्ड वायलेंस का. तो अब आप ये देखेंगे कि दुनिया के कौन से कंट्रीज हैं. अल्बेनिया, अब मुझे इनका रिलीजन नहीं पता कि
अल्बेनिया ये मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है. majority Muslim country है, so has a long tradition in Albania, although it has much rarer today. ठीक है, ये still exist. उसके बाद बेल्जियम में देखें कि honor based violence हुई. सादिया शेख नाम से आपको पता चल जाएगा कि this is a girl, ये लड़की है सादिया शेख. आप देखें 20-year-old Belgian woman of Pakistani heritage was fatally shot by her brother, an act of suicide. The murder occurred in some place in I can't spell that. और इस तो ये इसके बाद अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे नेपोलियनिक कोड है. बिफोर 1997 तक, 1804 से लेकर 1997 तक ये कोड रहा. ये फ्रेंच बेस्ड कोड है और इसमें ये किया जाता था कि अडल्ट्री जो अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करते हुए देख लेता था और उसको कत्ल कर देता था तो इट वॉज एक्सक्यूज. सो लेकिन 1997 में इस कोड को चेंज किया और अडल्ट्री वॉज इसको डिक्रिमिनलाइज किया. लेकिन अगर औरत अपने हस्बैंड को कत्ल कर दे तो इस पे ज्यादा इस पे यू नो ये एक्सक्यूज उनको नहीं था. मर्दों को एक्सक्यूज दिया गया कि अगर वो यू नो इसको क्राइम्स ऑफ पैशन भी बोलते हैं कि अगर कर लिया तो उसको मर्द अगर उसको कत्ल कर दे अपनी बीवी को, अगर ही कॉट हर चीटिंग इट वॉज ओके फॉर हिम टू किल हर. तो ये आप देखें. अच्छा, अब इसके बाद डेनमार्क में ऑनर बेस्ड वायलेंस, गजाला खान, ठीक है, अनदर पाकिस्तानी. अब देखिए पाकिस्तानी कैसे नाम रोशन कर रहे हैं बाकी कंट्रीज में जाके. दे मूव टू दीज वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज, दे रिफ्यूज टू अडॉप्ट देयर कल्चर, दे रिफ्यूज टू ओपन देयर माइंड्स एंड दे डू देयर हीनियस प्रैक्टिसेस ओवर देयर. वहां पे भी खवातीन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. अब ये भी देखें बहुत यंग लग रही है. शी वॉज Ghazala Khan was a Danish woman of Pakistani descent who was shot and killed in Denmark by her brother after she married against the will of the family. So she married. ये भी नहीं कि वो घर से भागी थी. इसके बाद अब फिनलैंड में आ जाएं. In first case of honor killing in Finland happened in 2015 when an Iraqi man, again a Muslim country, was sentenced 2 years. ठीक है. अब आप देखते जाएं. In 2019, a 48-year-old Iraqi attempted to murder his 40-year-old ex-wife because she was associated with another man. ठीक है. अब ये देखें कि ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज में इमिग्रेंट्स जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज से और जाके वहां पे वायलेंस करते हैं. फ्रांस हैज अ लार्ज इमिग्रेंट कम्युनिटी फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका. अल्जीरिया मुस्लिम कंट्री, मोरक्को मुस्लिम कंट्री, ट्यूनिशिया मुस्लिम कंट्री, और यहाँ से इन्होंने ऑनर बेस्ड वायलेंस किया. ठीक है. अब ये वही उसी नेपोलियन बोनापार्ट उसी एक्ट का बता रहे हैं जो फ्रेंच पीनल कोड था और जहाँ पे इसको मर्डर कमिटेड अपॉन द वाइफ एज वेल एज अपॉन हर अकम्प्लिस एट द मोमेंट व्हेन द हस्बैंड शैल हैव कॉट देम इन फैक्ट, इसको उसको उस पर इतनी कोई सख्त सजा नहीं थी इस चीज पे. ठीक है. तो और ये जो फ्रेंच लॉ है जो ये क्योंकि बाकी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी ना, अल्जीरिया, आई हैव लिव्ड इन अल्जीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, तो ये इन कंट्रीज ने भी इसी चीज को अडॉप्ट किया हुआ था. लेबनान, लिबिया, आप देखेंगे ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं. ठीक है. पैलेस्टाइन, ओमान, मोरक्को. अगर आप कहें कि इस्लाम का इससे ताल्लुक नहीं है तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. Investigating criminal records for partners whom is the Jamal 12 cases of honor based violence. ठीक है. और अब आप देखेंगे कि कौन से कंट्रीज से थे. टर्की, यूगोस्लाविया, आई थिंक इट्स अ मुस्लिम कंट्री एज वेल, अल्बेनिया. ठीक है. और आप इनमें से कोई भी ऐसा कंट्री नहीं देखेंगे जो कि एक्सेप्ट फॉर द इटली. ठीक है. अब इटली जो है बहुत ही कंजर्वेटिव क्रिश्चियन है इनकी जो ट्रेडिशंस हैं और यहाँ पे भी ऑनर बेस्ड वायलेंसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं. ठीक है. अब ये एक और आ गई. 2006, 20-year-old हिना सलीम, पाकिस्तानी डिसेंट वेमेन हु लिव्ड इन इटली, वाज मर्डर्ड. ठीक है. बाय हर फादर हु क्लेम्ड दैट शी वाज ही वाज सेविंग फैमिलीज ऑनर. ठीक है. अब ऑनर जो है वेमेन की टांगों के दरमियान है, ये जिस कंट्री में भी चले जाएं. उसके बाद अब ये देखें कि ये भी इटली में, सना दफानी, यू कैन टेल फ्रॉम द नेम इट्स अ मुस्लिम गर्ल. फिर उसके बाद कुछ इटालियंस थे जिन्होंने किया. फिर सुमन अब्बास, अगेन सीम्स लाइक ए पाकिस्तानी,
नाम से आप बता सकते हैं, फिर नॉर्वे में हुआ, अनुषा ये सदीक गुलाम अफगानी रेफ्यूजी, ठीक है। अब आ जाए स्वीडन, स्वीडन में हुआ, या भी पाकिस्तानी होंगे अफगानी, टर्किश, टर्किश वेमेन फातिमास, ठीक है। उसके बाद दिस इज अ कुर्दिश, अगेन आई थिंक मुस्लिम बैकग्राउंड फ्रॉम टर्की, कुर्दिस्तान। उसके बाद आ जाए, अब ये देखें कि पूरी दुनिया में जो है अफगान, यहाँ पे ये देखें अफगान आ गए। फिर स्विट्जरलैंड में अगेन पाकिस्तानी, इन 2010 ए 16 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी गर्ल वॉज मर्डर्ड नियर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब यूके में आ जाए, यूके में तो बहुत सारे पाकिस्तानी थे, मर्डर ऑफ शफीला अहमद, मर्डर ऑफ सुमायरा नज़ीर, मर्डर ऑफ टूले गोरन, ठीक है, ये एक आपको नाम नजर आता है। फिर आप ये सारे नाम देखें, ये पाकिस्तानी नाम नजर आपको नजर आएंगे। बनाज महमूद 20 ईयर ओल्ड इराकी, ठीक है, इराक से हैं, टर्की से हैं, अफगानिस्तान से हैं, सारी मुस्लिम कंट्रीज जिसमें ये। फिर ये मिडल ईस्ट, ऑनर किलिंग इन मगरिब आर नॉट एज कॉमन एज इन एशियन कंट्रीज और मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, इन लिबिया इट कैन ऑल्सो बी कमिटेड अगेंस्ट रेप विक्टिम्स। अच्छा, अब रेप विक्टिम के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अप अंटिल 1997 बहुत सारे इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर कोई लड़की रेप का शिकार होती थी तो उसका इलाज ये बताया जाता था कि जो रेपिस्ट ही हैज टू मैरी हर, अदरवाइज उसकी जो ऑनर है वो खत्म हो गई। तो ये देखें, अब ये सारे कंट्रीज अभी अभी पिछले यानी कि सेंचुरी तक ये प्रैक्टिस हो रही थी, और अब जाहिर है इस बात को कोई नहीं प्रैक्टिस करता। पाकिस्तान में शायद जिरगाज में अभी भी यही फैसले होते हैं कि जिस लड़की का रेप हुआ है, जो रेपिस्ट है, उससे शादी कर ले। तो आप इससे अंदाजा करें कि इट हैज डेफिनेटली इट हैज सम अ लॉट टू डू विद द रिलीजन। रिलीजन इज एक्सट्रीमली पेट्रियार्कल, इस्लाम इज अ वेरी पेट्रियार्कल रिलीजन। खवातीन की अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, वो बेसिकली मर्द की प्रॉपर्टी है, ना वो वली की इजाजत के बाहर शादी कर सकती हैं, ना उनको जायदाद में पूरा हिस्सा मिलता है, ना उनकी रेप अगर उनका हो जाए तो उन्हें चार गवाह लाने पड़ते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स में ऑनर किलिंग्स जो होती हैं उसमें, इसमें भी जाहिर है आपको मुस्लिम नाम नजर आएंगे, आमिना एंड सारा फ्रॉम टेक्सास, इजिप्शियन फादर, ठीक है। फिर ये मजर नहीं, मुजम्मिल हसन डेफिनेटली फ्रॉम पाकिस्तान। फिर ये आसिया जुबैर, सो आपको ये नजर आएंगे कि अमेरिका में, सो लैटिन अमेरिका में, एल साल्वाडोर में। अच्छा, ये वो वाले ये जो यहाँ पे हो रहे लैटिन अमेरिका में, तो यहाँ पे ट्राइब्स जो छोटे छोटे ट्राइब्स होंगे ना, वो ये कस्टम को प्रैक्टिस करे होंगे, क्राइम्स ऑफ पैशन। तो आप ये देखें कि जहाँ पे ये ट्राइबल माइंडसेट है, एग्जिस्ट करता है, पेट्रियार्की है, जहाँ पे वेमेन पे कंट्रोल है, वहाँ पे ये सब होता है। लेकिन जो लिबरल, जितने जैसे जैसे सोसाइटीज लिबरल होती जाती हैं, वहाँ पे ये प्रैक्टिसेस खत्म होती जाती हैं। थैंक यू, आई एम डन। IW आई हैं, उनसे उनकी ओपिनियन लेते हैं। जी IW, हाय, हाय एवरीवन, आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है जी। तो हाँ, जैसे आपने मदीहा कहा है कि ऑनर किलिंग्स बेसिकली वही उन्हीं सोसाइटीज में होती हैं जो पेट्रियार्कल होती हैं, उन फैमिली को लगता है, मोस्टली वैसे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो खवातीन का उनकी जान ले लेती हैं, ये सोच के कि हमारी हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन और हमारी फैमिली के ऑनर पे सवाल खड़ा हो गया है। तो एक तरह से वो क्लेंज करते हैं, उनको लगता है इनको मार देंगे तो क्लेंजिंग हो जाएगी। फिर दूसरा एक वहीं पे जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी हो, एक उन सोसाइटीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे अनइक्वल पावर डायनामिक्स हो, वहाँ पे हम देखते हैं कि ऑनर किलिंग होता है। और अगर आप ये सारी चीज़ें देखें ना, जो फैक्टर्स हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज हो गई, रिलीजन हो गया, फियर ऑफ शेम हो गया, या पीयर प्रेशर सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से पीयर प्रेशर हो गया, ये सारे फैक्टर्स अगर मैं देखूँ तो ये सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, विच इज वेरी सैड। और सबसे ज्यादा आप कॉर्नर किलिंग भी वहीं पे मिलेंगी। तो या आप करते हैं इस पे बात, आप किसी और का ओपिनियन लें फिलहाल।
डॉक्टर ना पाकिस्तानी ने ये शेयर की थी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, लेकिन पहले जो मैं कमेंट करना चाहूँगा वो आपने जो पिछली हदीस दिखाई थी उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। वहाँ पर अगर आप उस हदीस को जो है वो गौर से पढ़ें तो उसमें बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है सात बिन अबादा थे ना उस हदीस के अंदर। वो बुनियादी तौर पर जो बात जिस तरह वो कर रहे हैं, अगर आप उसको उस बात की तह के अंदर जाएं और वो अल्लाह की गैरत की बात हो रही है, वो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो तौहीद से रिलेट जो है वो किया जा रहा है कि एक खातून के लिए जो उसका शोहर है उसके अंदर वो किसी को शरीक नहीं बना सकती, और दैट शराकत इवन इंक्लूड्स किसी से बात करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो अगर उसको किसी के साथ बात करते हुए देखूं तो अगर आप इसको इस नज़र से देखें कि जो मर्द की गैरत है उसको खुदा की वहदानियत के साथ जो है वो किसी ना किसी तरीके से जोड़ा जा रहा है, तो ये भी एक एक फैक्टर है। क्योंकि हमने जो है वो कम अज़ कम जो 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 इब्राहिमी खुदा है उसके बारे में हमें एक फैक्टर जो है वो पता चलता है कि उसको अपने साथ जो है वो शरीक ठहराना नहीं पसंद। रिचर्ड डॉकिंस के अल्फाज में इज अ जेलस गॉड। तो यहाँ पर जो है वो मर्द की मर्दानगी और खुदा की जेलसी, उन दोनों को आपस में जो है वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से उन दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये वाली जो हदीस थी ये मैंने देखी थी, अगर आप इसको उर्दू तर्जुमा कर दें तो। वो ऊपर आपको लिंक लेफ्ट पे ना लैंग्वेजेस का जो ऑप्शन, उसमें एक, हाँ यहाँ आप क्लिक कर दें, हो जाएगा। जी ये देखिए, यहाँ पर जो है वो सैयद आयशा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपनी अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे इसका निकाह बातिल है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 3 बार फरमाया। देखिए अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कोई औरत अगर अपने बाप या भाई की इजाज़त के बगैर निकाह करे तो उसका निकाह बातिल है। यहाँ पर जो है वो फिलहाल इस सफ़े के अंदर जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो, और ये सही है बाय द वे, अल अल्बानी ने इसको सही करार दिया। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि उनके निकाह को जो है वो बातिल करार दिया जा रहा है। अब अगर किसी मुसलमान को ये पता चले कि उसकी बेटी या उसकी बहन बगैर निकाह के किसी इंसान के साथ रह रही है तो उसका क्या जो है वो रिएक्शन होगा, मेरा ख्याल है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली जो है वो क्लियर है। डॉक्टर साहब ये मैंने दूसरा एक लिंक भेजा है, ये जरा दिखाइए कि दिखाएंगी ये दूसरे वाला जो लिंक है सेकंड नंबर। दिस वन, ये वाला, जी एग्जैक्टली यही वाला। अब ये देखिए यहाँ पर जो है वो ये एक फतवों की किताब है, उसके अंदर भी जो है ना यही इसी तरह एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जो औरत वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे उसका निकाह बातिल है। एक दूसरी रवायत में है, वो औरतें बदकार हैं जो गवाहों के बगैर अपना निकाह करती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक निकाह का मामला पहुंचा जिसमें सिर्फ एक मर्द और औरत गवाह थे। उन्होंने फरमाया, ये पोशीदा निकाह है, मैं इसे जायज़ नहीं रखता, अगर मुझे पेशगी इल्म होता तो मैं रजम कर देता। अब आप इसको जो है वो आप बुनियादी तौर पर देखें कि जो है वो बेशक निकाह उन्होंने कर भी लिया था इस्लाम की रूह से, लेकिन जो गवाही थी उनके ऊपर हज़रत उमर को शक था, तो हज़रत उमर ने कहा कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इनको रजम कर देता, मैं इनको संगसार कर देता, मैं इनको जिना की सजा देता। और जो वो पिछले वाली हदीस थी उसके साथ अगर आप इसको मिलाकर पढ़ें तो ये बात बईद नहीं है, ये बात बईद नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब गैरत के नाम पर कत्ल करना, अगर जो है वो किसी की बेटी ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर लिया, अगर आप ये देखें कि यहाँ पर ये क्लियर कट नहीं लिखा हुआ कि अगर आपकी बेटी या बहन ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है तो आप उसे जाकर मार दें, लेकिन अगर आप इस तरह की अप्रोच को अपने मुआशरे के अंदर लेकर चलेंगे तो फिर उसके जो नताइज हर केस
आप हम ये भी यहाँ पर नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर जो अपनी मर्जी से निकाह करने वाली बहनें या बेटियां होती हैं उन सब की सबको मार दिया जाता है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम जो है वो यहाँ से उन जो मारने वाले हैं, जो जो बहुत थोड़े केसेस हैं जिसमें मारा जाता है, उनको यहाँ से एक आप कह लीजिए कि एक मोटिवेशन जो है वो मिलती है इस तरह के अकायद से। और एक और मैं बात करना चाह रहा था अगर आप इजाजत दें तो, विच वॉज समथिंग सेपरेट। ओके, अभी रुस्तम भाई ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसको रोकने का क्या तरीका है, और उन्होंने बीच में जो है वो इंडिया की भी बात की कि उनके यहाँ जो है वो ये कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा सा काबू में है। ये तो वो, अरे ये तो वो, ये भी आपसे लिंक भेजा ना। हाँ ये वो, सॉरी वो जो आप रेपिस्ट वाली बात कर रही थी कि यूरोप में खवातीन का जो है वो निकाह कर दिया जाता था उनके रेपिस्ट के साथ ही, ये उसकी जो है वो बाइबल के अंदर जो है वो डिट्रोनोमी के अंदर ये आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी जो है वो किसी कंवारी खातून के साथ जो है वो उसके साथ ज्यादती करे तो वो उस औरत के बाप को 50 शेकल्स ऑफ सिल्वर देगा, और उसके बाद जो है वो उसकी बीवी बन जाएगी और सारी जिंदगी जो है वो उसकी वो कभी उसको तलाक नहीं दे पाएगा। अब आप इसके अंदर ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो वो फैक्टर है जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि औरत प्रॉपर्टी है, औरत अपने बाप की प्रॉपर्टी है, और उस बाप की प्रॉपर्टी को किसी आदमी ने नुकसान पहुंचाया तो उसकी सजा के तौर पर वो आदमी उस औरत के बाप को जो है वो कुछ पैसे दे रहा है, 30 शेकल्स ऑफ सिल्वर। ऑब्जेक्टिफिकेशन या प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है यहाँ पर एक क्लियर कट है। और दूसरा फिर देखिए कि जुल्म, कि एक आदमी ने उस खातून के ऊपर जो है वो उसके 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 खिलाफ उसकी जात के खिलाफ एक जुर्म किया, और अब उस खातून को पूरी जिंदगी के लिए उसी मुजरम के साथ जो है वो घर में कैद किया जा रहा है, कि वो जो उसने एक दफा किया था वो अब उस खातून की आने वाली सारी जिंदगी बार बार जो है वो करे। तो ये जो मसला है, ये जो मिसोजिनी है, ये मेरा ख्याल है तमाम मजाहिब के अंदर हमें अलग अलग रूप में मिलेगी, मिलेगी सही, कहीं पर बहुत ज्यादा होगी, कहीं पर हल्की सी कम होगी, लेकिन डेफिनेटली मिलेगी और उसके अलग अलग रूप होंगे। मैंने मैंने उस पे मैंने हिंदुइज्म पे ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि वहां पर भी इसी किस्म की कोई ना कोई रवायात हमें जरूर मिलेंगी। अच्छा चलें, वो अब भी बाकी लोग बात कर लें, मेरा जो पॉइंट था ना वो मैं बाद में फिर बात करता हूँ उसके बारे में। शुक्रिया। मैं इसमें एक चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा, एक चीज़ हम और भी भूल जाते हैं, ख़वातीन के साथ साथ जो दीगर लोग हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसजेंडर्स हैं या जो गे है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग उनके लिए भी ये उनका भी मज़हब जो है ना उनके लिए एक डेथ सेंटेंस है, और वो वैसे भी माशरे के अंदर जो है उनको बुरा समझा जाता था पहले ही, उनके खिलाफ जो है बड़ी नफरत थी। ऊपर से जो रिलीजियस टीचिंग है ख़ासतौर पर आप इस ईसाइत के अंदर देख ले, वहाँ तो उन्होंने उनको मारा भी है, जलाया भी हुआ, और पता नहीं कौन कौन सी सजाएं दे रखी हैं। आपको मेरे ख्याल में शायद बाइबल में भी इस तरह की मिल जाएंगी, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता, मैंने पढ़ा है कि अगर आप गए हैं तो आपके खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की सजाएं, और इस तरह इस्लाम के अंदर भी है। तो ये भी एक आपका वो कॉन्सेप्ट कि आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर आपके आपकी फैमिली में ये खतरा पैदा हो जाए किसी को कि यार ये लड़का जो है ये गे हो सकता है, तो वो एक बहुत बड़ी जो है मुसीबत, और उसके ऊपर भी वहाँ भी जो है लोगों को मारा गया या तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उनको कास्ट ऑफ मतलब एक तरह से सोसाइटी से काट के बाहर फेंक देते हैं कि जाओ भाई तुम हमारे फैमिली के नाम पर धब्बा, और ये तो ये सब कुछ जो है ये उसको ये आपका जो रिलीजन है वो बहुत बड़ी उसको वो देता है प्रोटेक्शन देता है, एक ऑलरेडी जो माशरे के अंदर एक गंदगी मौजूद थी ऊपर से रिलीजन ने आकर उसको और पक्का कर दिया। तो मैं आप लोगों की इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर तालीम आ रही है, जहाँ पर थोड़ी सी जो है मज़हब की जो टीचिंग्स है उससे लोग हट रहे हैं पीछे, तो वहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जो लोग इस तरफ उनको समझ आ रही है कि नहीं ये गलत काम है, ख़वातीन या दीगर जो ग्रुप्स हैं वो भी इंसान है और उनको इंसानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे ये कमेंट आया है होम कुकिंग का कि एलहान उमर वोटेड अगेंस्ट मासा एक्ट, इट पास्ड विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन कांग्रेस, क्या एक्ट है इसका जरा एक्सप्लेन करें, आई एम क्यूरियस अबाउट इट कि यहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस में पास हुआ है और क्या इसका लाइक व्हाट व्हाट डज इट मीन।
यहाँ पे क्यों पास हुआ है। और दूसरी जो बात है जो हम सब कह रहे हैं कि इस्लाम ये सारे जो पेट्रियार्कल रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी है, जूडियाज्म है, ये सारे कंटिन्यूएशन है हमराबी कोड्स के। अगर आप जाके देखें कि कोड्स ऑफ हमराबी और आप इनकी जो भी रेद प्रोड्यूसर ने एक दो तो चीजें शेयर की हैं, जिस तरह से ये अगर आप हमराबी कोड को करें तो इतने लाइक दे आर सो क्लोज टुगेदर, ऑलमोस्ट उसी से ड्राइव किए गए हैं। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि ये इंसानों ने ही लिखे हैं। और इस्लाम ने मेक श्योर किया है कि वेमेन स्टेज डिपेंडेंट ऑन अ मैन, ठीक है, ना तो उसको प्रॉपर्टी में राइट्स मिलते हैं, ना उसको प्रॉपर्टी में राइट्स मर्दों से कम मिलते हैं, ताकि उसके पास कम रिसोर्सेज हों, वो इंडिपेंडेंट ना हो सके, इंडिपेंडेंटली वो शादी नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंटली वो घर से बाहर नहीं मूव कर सकती, महरम के बगैर वो आ जा नहीं सकती, जाना है तो उसने अपने आप को कवर करना है, वो मस्जिद में भी नहीं जा सकती, उसकी मोबिलिटी कम होगी, जब वो लोगों को नजर ही नहीं आएगी तो उसके एक्सेस कम होगी मर्दों की तरफ, तो इनसिक्योरिटी जो है मर्दों की वो सारी आपको इस्लाम में नजर आती है। फिर उसकी गवाही को आधा कर दिया है, मतलब हर तरीके से खवातीन को पावरलेस किया गया है इस्लाम में, और उसके बाद उनको एक प्रॉपर्टी बना के घरों में घुसा दिया है, घरों में बिठा दिया है। उसके बाद अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करती है तो दैट इज कंसिडर्ड वॉयलेशन ऑफ मैंस राइट्स, कि मर्द जो है जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, उस औरत ने उस घर से बाहर निकल के अगर शादी करने की कोशिश की है तो उस मर्द के राइट्स वायलेट किए हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली वो औरत एग्जिस्ट नहीं करती, वो प्रॉपर्टी है। और जहां तक ट्रांसजेंडर और गे की बात है, वो तो गेस तो वैसे ही उनको कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन ट्रांसजेंडर का तो कोई जिक्र ही नहीं है, दे डोंट इवन एग्जिस्ट इन इस्लाम, तो उनके खिलाफ तो उनके उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। सो IW आपने जी, मैंने एक बात पूछनी थी और कहनी भी है कि वैसे तो खवातीन को ही ज्यादातर क्या उन्हीं को किया जाता कत्ल, लेकिन एक फैक्टर है ना कि काफी सारे फैक्टर्स, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं कि परस्यूइंग एजुकेशन जिसके ऊपर मार दिया जाता है, या फिर अपनी पसंद से पार्टनर चूज कर लिया उस पर मार दिया, एक है ना प्री मैरिटल सेक्स, उसके ऊपर भी ऑनर के लिए खवातीन की होती है, मर्दों की नहीं होती। ये मुझे समझ नहीं आती, कभी सुना है कि मर्द को मार दिया क्योंकि उसने वो पकड़ा गया सेक्स करते हुए, या वो पकड़ा गया डेट करते हुए बाहर रेस्टोरेंट में बैठे हुए किसी लड़की के साथ, उसका कत्ल नहीं होता। हम ऑनर के लिए मर्दों की नहीं सुनते, हम खवातीन की ही सुनते हैं। IW होती है, आप सही कह रही हैं कि महदूद पैमाने पर होती है। अभी आज मेरा ख्याल है कुछ हफ्ते पुराना वाकया है कराची का, जिसमें बाप ने जो है वो अपनी बेटी को मार दिया था, मेरा ख्याल है 17 साल की बेटी थी उसको, कराची में, मेरा ख्याल है वो आदमी डॉक्टर था, मेडिकल डॉक्टर, उसने अपनी बेटी को जो है वो कराची में कत्ल कर दिया था गैरत के नाम पर, और उसने उस लड़के जो जो उसकी बेटी के साथ लड़का था उसने उसको भी कत्ल कर दिया था। तो ये बहुत कम है मर्दों को जो मारा जाता है वो कम है, लेकिन जीरो नहीं है, कम है, कम तो बहुत ज्यादा है। खवातीन जितनी खवातीन को कत्ल किया जाता है उसके मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन ये कहा जाए कि बिल्कुल नहीं है, दैट वुड बी नॉट ट्रू। मैं यही है कि फिर मुझे यही होता है कि एक ही सोल्यूशन नजर आता है, वो यही है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट ऑब्वियसली राइट, कि आप खवातीन को जितना एम्पावर करेंगे, उनको एजुकेशन दिलाएंगे, वो या आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक मदीहा, कि अगर वो उनको एम्पावर कर भी दें कत्ल तो फिर भी होती रहेंगी। देखिए मेरी बात, मैं यहाँ पे यहाँ वुमेन का, मुस्लिम वुमेन का एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, उसमें बड़े जोश और खरोश से मेरी फ्रेंड्स ने भी हिस्सा लिया जो एक कम्युनिटी में है, विच इज फाइन। आई थिंक औरतों खवातीन के पास ज्यादा तो आउटलेट्स नहीं होते जहाँ भी उनको सिस्टरहुड का या बॉन्डिंग का या यू नो इंटरेक्शन का मौका मिले, उन्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन जो जो यहाँ पे वेस्टर्न मुस्लिम वुमेन है, मुझे उनसे ये शिकवा है कि वो इस चीज को नजरअंदाज करती हैं कि दे आर सो प्रिविलेज्ड टू बी लिविंग इन अ वेस्टर्न सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी वेयर दे हैव दे गॉट यू नो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है, वो अपना इस्लाम भी इसको प्रैक्टिस कर सकती हैं जितना वो चाहती हैं, यू नो दे ड्रेस अप, दे शो देयर ब्यूटी, परफ्यूम लगा के चेहरे मर्दों में भी फिरती हैं, ब्यूटी भी अपनी शो करती हैं, इंडिपेंडेंटली आती जाती हैं, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स भी यहाँ के लॉज के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर कोई वाइफ डिवोर्स लेती है तो एज पर अमेरिकन लॉ शी गेट्स
all of like half of the man's property, if her husband dies, everything belongs to her. Agar Islamic laws ko apply karein, to she gets 1/8 of the property, theek hai? Lekin, so they have got best of both worlds. Apna Islam ko bhi unhone rakha hua hai aur apne religion ko bhi unhone rakha hua hai. Lekin ye ignore is cheez ko acknowledge nahi karti hain. They are basically co-conspiring with those men, those patriarchal men jo Afghanistan, Pakistan, ye jo Libya, Turkey ke jo patriarchal societies hain jinme khawateen ko wo dabate hain religion ke naam par, theek hai? जहां भी मौका मिलेगा रिलीजन को पावर अपने डोमिनेट होने का, सबसे पहली चीज जो जाएगी वो वुमेन राइट्स होंगे. क्योंकि जहां भी अमेरिकन जो छोटे छोटे कस्बों में जहां पे भी मुस्लिम मेजोरिटी होती है, फर्स्ट थिंग दैट डिसअपीयर्स फ्रॉम द पब्लिक आई इज वुमेन. फ्रांस में बहुत सारा यहाँ पे हो रहा है, जो टर्किश जो फ्रेंच वेमेन जो हैं, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, वहाँ पे कैफेज में वेमेन नजर नहीं आती हैं आपको, पब्लिक प्लेसेस पे वेमेन नजर नहीं आती हैं. बल्कि जो अगर खवातीन बाहर फिरी होती हैं उनको बाकायदा मर्द खड़े होते हैं जो शेम करते हैं. तो ये खवातीन जो हैं, जो मुस्लिम वेमेन हैं लिविंग अब्रॉड, दे आर अनएबल टू रिकग्नाइज के दे आर प्रिविलेज्ड टू बी लिविंग इन अ वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिसको वो इस्लाम को क्रेडिट देती हैं. तो ये एक मुझे ज्यादा नजर आती है कि वो जो उन खवातीन के राइट्स को बेसिकली वॉयलेट करिए, दे आर को-कंस्पायरिंग विद दीज मेन. जो इसमें एक खराबी ये भी है कि अगर पाकिस्तान में आपके वालदैन फॉर एग्जांपल अगर इस बात के चले खिलाफ है कि उन्होंने आप पे तशद्दुद नहीं करना, अगर कोई खातून है अगर वो अपनी मर्जी से कर भी लेती है, उसके लिए एक और बड़ा मुसीबत प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो आपकी गली मोहल्ले के लोग हैं, आपकी जो फैमिली के लोग हैं या जो आपके माशरे के लोग हैं, वो आपको जीने नहीं देंगे. तो ये एक सिर्फ प्रेशर आपकी फैमिली की तरफ से नहीं है. अगर आपकी फैमिली भी चले ठीक है, वो कह के यार चलो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कहेंगे जी गलती हो गई, हालांकि गलती नहीं है लेकिन चले, लेकिन आपके जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो आपको नहीं जीने देंगे वो उसके अंदर. और ये भी एक प्रेशर है जो कि मैं समझता हूँ कि फिर ये सारा जमा होके ना मजबूर कर देता है बाज़ूकात बाज़ ख़ानदानों को कि वो ना सिर्फ ये काम करें बल्कि फिर उसको बोस्ट भी करें. क्योंकि हमने ये देखा है बाज़ वीडियोज़ में कि जहाँ पर इवन कि मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ अर्से पहले की बात है कि किसी 12 साल के बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया, उसको गोली मार दी. अभी रिसेंटली मैं ट्विटर पे शायद कहीं देख रहा था, एंड ही वाज बोस्टिंग कि मैंने मार दिया क्योंकि वो जो उसकी जो है ना कोई गैर अज़दवाजी ताल्लुकात थे. या किसी भाई ने अपने, वो हमारा बड़ा मशहूर केस था, वो जो एक टिकटॉकर थी पाकिस्तान में यार, उसके मेरे कंदील बलोच, कंदील बलोच एग्जैक्टली, उसका भाई जो है उसने इसलिए मारा, वो ही वाज बोस्टिंग किया जी मैंने बड़ा किया. क्यों? वो जी अपनी तरफ से वो एक माशरे से ये एक रिकग्निशन चाहता था कि मैंने कोई पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है कि देखो जी अब मेरी इज्जत बहाल हो गई है कि मैंने एक खातून को एक इंसान को कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पे कि मेरी अना को, मतलब वो अपनी तई यही समझ रहा था कि मेरी इज्जत ख़राब हुई है इसकी वजह से तो मैंने अपनी इज्जत बहाल करनी. लेकिन इसमें सिर्फ उस अकेले का मैं नहीं समझता कि कसूर है, ये पूरे माशरे का कसूर है. और ये माशरा आपका जिन असूलों पर चल रहा है, जैसे मैंने पहले कहा हमारे कल्चर में मौजूद था, उसके ऊपर इस्लाम ने आके एक और जो है ठप्पा लगा दिया, उस पर जलती पे तेल का काम किया, तो वो सारा मिलकर इसने जो है इस चीज़ को अब इतना ख़राब किया कि हम आज तक, मैं मतलब मुझे कई दफ़ा हैरत होती कि हम 2023 में रह रहे हैं. मतलब अगर तो 1990-85 की बात होती मैं कहता चलो बहुत से लोग शायद अभी उनको नहीं पता पढ़ रहे हैं, ये तो इस ज़माने में अगर आज बात हो रही है वो भी यूरोप जैसे ममालिक में. मैं अच्छी तरह याद है मुझे जर्मनी में एक वाकया हुआ था, मेरे जो दोस्त थे उस टाइम पे दे वर लुकिंग टुवर्ड्स, ये भी होता है तुम्हारे मुल्कों में? यस अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है. तो जब तक हम माशरे से ये पूरा एक सिस्टम, ये तालीम की ये पूरा एक कलेक्टिव आपका एक अप्रोच होनी चाहिए जहाँ पर आप स्कूलों में लेकर तालीम दें. और अगर आपने आपके जो मजहबी जो थोड़े से लिबरल किस्म के मजहबी जो मुफक्किरान है या जो जैसे वो अंजीरे टाइप के जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जी मैं जरा अच्छा पेश करूं, उन सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस लानत से जान छुड़ाने के लिए. स्कूलों में तालीम पे तो हम नाम मुंह खुलवाए, हमारा जो तालीम दे रहे हैं वो तो रिवर्स में जा रही है. उसमें ये लोग क्या एनलाइटन करेंगे, दे आर इवन इन्फ्यूजिंग मोर रिलीजियोसिटी ऑन पीपल. तो अच्छा एक जो चीज है जो कहते हैं कि कल्चर है रिलीजन नहीं है, तो एक चीज आपको ये देखनी चाहिए कि जो जो दुनिया में भी जिन कल्चर्स में ये
शेम और ऑनर एसोसिएटेड थी वुमेन के साथ और सेक्सुअल कंट्रोल था. अब वो कल्चर्स तो इवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कल्चर्स दे हैव टेंडेंसी टू इवॉल्व कि टाइम आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, कल्चर इवॉल्व करें. रिलीजन में टेंडेंसी नहीं है इवॉल्व करने की. रिलीजन तो एक डिवाइन जो है खुदा की तरफ से दिया है, दे आर द लास्ट वर्ड्स फ्रॉम गॉड, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे. तो जिन जिन कंट्रीज में रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है ना अपनी, यू नो इन इट्स ट्रू सेंस, जो रियल इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है जिन कंट्रीज में, वो तो उनका तो बुरा हाल है, वो तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि इस्लाम इट इज ऑल अबाउट. मैं एक चीज, आई एम सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि देखिए इस्लाम सबसे ज़्यादा रिजिड मज़हब है, ये बात बिल्कुल ठीक है. बाकी मज़ाहब में भी रिजिड थे, लेकिन हमने देखा जैसे ईसाइत है पिछले 250-300 सालों में उसमें काफ़ी चेंज आई है, जिसकी वजह एक तालीम थी या उनका एक अप्रोच थी, डिफरेंट थी. ठीक है, इस्लाम रिजिड ज़रूर है, लेकिन इस्लाम भी रिफॉर्म उस सेंस में हो सकता है जहाँ पर उनको जब सर पे पड़ती है ना. मैं मिसाल इस तरह देता हूँ, किसी ज़माने में आपको पता है पाकिस्तान, और मैंने वो फतवे पढ़े, मेरे पास एक बहुत पुरानी किताब थी, 1800 या 90s या 1900 की किताब थी उस ज़माने की इंडिया की, और वो उर्दू थी जो उस ज़माने में बड़ी सख्त और शकील किस्म की उर्दू लिखी आती थी. उसमें यह था कि जी तस्वीर बनाना हराम है और ये सब कुछ वो, तो मुझे ये लगता था कि जी ये किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकती क्योंकि उस पर फतवे लगे हुए. लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब दुनिया इतनी आगे निकल गई कि यू हैव टू अडॉप्ट, कि मतलब आपको जैसे पासपोर्ट बनाना है, आपको तस्वीर खिंचानी है, आप सफर नहीं कर सकते, आप हज पे नहीं जा सकते, तो फिर वो जो इस्लाम था वो मॉडिफाई हो गया कि अच्छा चलो जी तस्वीरें ठीक है, आप कोई मसला नहीं है. तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर एक कलेक्टिव एक पूरी दुनिया इस पर काम करे, या एक सोसाइटी मिलकर काम करे, या आप करें, या सब मिलकर हम जो कोशिश कर रहे हैं, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ ये इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि फिर उनको ये करना पड़ेगा. जैसे हमने कहा ना कि इंडिया में जो है सोसाइटी अब इस हद तक अपनी उससे बाहर आ गई है कि आज वहाँ पर ये गैर कानूनी है. आई एम प्रीटी श्योर, मुझे उसके उनके कवानीन का नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि ये गैर कानूनी होगा कि आप किसी को इस तरह मार सकते हैं. लेकिन अब वहाँ पर ये परसेंटेज कम हो गई है वायलेंस की खवातीन की, अभी भी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शायद पाकिस्तान से कम होगी. लेकिन ये पाकिस्तान में भी हो सकता है, मतलब ऐसी आवाज़ें आपको अब ट्विटर पर नजर आती हैं जो कि पहले बहुत कम थी, तो ये एक अच्छा साइन है. अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में लोगों का देखना हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लोगों के कमेंट्स देखा करें इसके नीचे कि अच्छा किया, जरूर उसने कुछ किया होगा. अभी तक लोगों के इसी किस्म के कमेंट्स आते हैं. और अगर कोई मर्द पकड़ा जाए तो वो आराम से कहते थे मुझ पे शैतान आ गया था. आई मीन यू सी कोई कारी पकड़ा गया ना बच्चे के साथ, यू नो रेप करते हुए, तो कहेगा मुझ पे तो शैतान आ गया था. सो दे हैव समवन टू ब्लेम, उन पे शैतान आ गया था. लेकिन नोबडी गिव्स दिस काइंड ऑफ लीवे या कोई रास्ता ख्वातीन को नहीं देता. उनको तो बाकायदा बस कत्ल करके फिर बाद में कहते हैं हाँ हमारी गैरत आ गई थी तो हमें, यू नो. सो इट्स अ वेरी मेस्ड अप सोसाइटी एंड इट रिफ्यूजेस टू इवॉल्व, दैट इज द प्रॉब्लम. एक तो मैं कहती हूँ जहालत, ऊपर से उस पर फखर. दिस इज द, एक वो कहते हैं ना, एक तो गरीब तो बदतमीज, ये इनका पाकिस्तान का ये हालत है कि एक तो जाहिल है, ऊपर से जहालत पे बहुत फख्र करते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. IW आप कुछ कहें, समवन वाज सेइंग कि वी वांट टू हियर मोर फीमेल पर्सपेक्टिव. नहीं, मैं शाहजी की बात का सोच रही थी कि रिलीजियस रिफॉर्म आए, क्योंकि जैसे जैसे मीडिया, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी हमारी प्रोग्रेस करी है, तो लेकिन इस्लाम का प्रॉब्लम यह ना कि उसमें रीफॉर्मेशन हो नहीं सकती. और आप, हम लोग अभी भी सुन रहे हैं कि ये बात शुरू हो गई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिफॉर्म कर लेते हैं, कुछ लोगों की लड़ाई है जो मुल्ला वगैरह हैं कि नहीं इस्लाम रिफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन इनको करना पड़ेगा. और जहाँ इनको ये करना पड़ गया वहाँ पर हम देखेंगे कि इस्लाम का आहिस्ता आहिस्ता, जैसे क्रिश्चियनिटी का हुआ, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खात्मा होता जाएगा. पर यस, एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम की रिफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती. I also think Islam is unreformable, क्योंकि जो कुरान के अंदर आयते हैं ना, जिस तरह मैंने भी स्लेवरी पे पार्ट टू वीडियो की है, उसमें आप देखें कि जो कुरान की एक आयत है, आई डोंट रिमेम्बर, सूरह नूर की कोई आयत है जिसमें, डॉक्टर ना पाकिस्तानी को पता होगा, जिसमें कुरान में खुदा उन गॉड जो है अल्लाह उनको, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो मर्द अपनी जो सेक्स स्लेव्स हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन पे फोर्स ना करो अगर वो चेस्ट यानी कि पाकीज़ा रहना चाहें,
लेकिन अगर किसी ने को इन्वॉल्व हो गई तो अल्लाह माफ करने वाला है। तो आप ये देखें कि एक डिवाइन बुक खुदा ने भेजी है, ठीक है, आखिरी किताब है, डिवाइन बुक है, उसमें खुदा एड्रेस कर रहा है कि सेक्स स्लेव को जो है अगर वो प्रोस्टिट्यूशन कर ले तो उस और जब उसका मालिक उसको करवाए, उसका ओनर जो स्लेव का मालिक है, तो उस सेक्स स्लेव को कोई गुनाह नहीं मिलेगा इस पे, अल्लाह उसे माफ कर देगा। बजाय ये कि गॉड ये कहता है कि स्लेवरी इज फॉरबिडन, स्लेवरी खत्म करो, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, रूल्स बता रहा है कि स्लेव्स को कैसे ट्रीट करना है। सो दैट मीन्स के ही वॉन्टेड द स्लेवरी टू कंटिन्यू, क्योंकि वाई ही इज वेस्टिंग वर्ड्स इन टेलिंग हाउ टू ट्रीट द स्लेव इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस के स्लेवरी इज कंडेमेबल, अबॉलिश इट राइट नाउ। सो दैट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस के ये लोग कहते हैं ये तो बड़ा डिवाइन है और खुदा ने भेजा है। खुदा तो आपको बता रहे हैं आपने रूल्स कैसे रेगुलेट कैसे करना सेक्स स्लेव को, तो और उसमें कोई सजा नहीं दे रहा कि जिसने फोर्स किया उसको प्रोस्टिट्यूशन पे, उस पर कोई सजा नहीं है। दिस जस्ट बैफल्स माई माइंड के लोगों को ये बातें क्यों नहीं खुलती, उनको क्यों नहीं, लाइक व्हाई दे डोंट गेट लाइक सस्पिशियस अबाउट दिस। तो ये आई लाइक हाउ रे द प्रोड्यूसर ने बात की है कि इस्लाम को, इस्लाम के नॉट रिफॉर्म बट कैन बी इग्नोर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जाहिर है इसको खत्म तो हम नहीं कर सकते, मगर हम इतना एक्सट्रीम तो नहीं जा सकते, बिकॉज ये सबसे ज्यादा नया रिलीजन है, इसको भी 1400 साल ही हुआ है, लेकिन हाँ इसको इग्नोर किया जा सकता है। नहीं, मैं मेरे ख्याल में उस बात का शायद जो है वो मतलब नहीं समझा सका। रिफॉर्म से मेरी मुराद ये कि एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे अभी हमने कहा ना कि ये टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको ऐसे बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं जो कि अब खुद को एथियस समझते हैं या इस्लाम को नहीं मानते या किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, उनकी तादाद बढ़ रही है। तो इस सेंस में मैं कह रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इवन कि जो ये करने वाले भी है ना वो फिर माइनॉरिटी में होंगे, क्योंकि अब जो आज नस्ल जवान हो रही है, जो वो नस्ल जो 1990s या 2000 के दौरान पैदा हुई है, अब जो बड़े हो रहे हैं, दे आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी जो कि उससे पहले उनके माँ बाप की थी, और उनका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है अपनी पिछली जनरेशन से। तो ये बात ठीक है, इसमें वक्त जरूर लगेगा। आप ऑफकोर्स इस्लाम जो रिजिड मजहब है उसको तो आप उस सेंस में नहीं कर सकते, लेकिन वो इसी तरह ही होगा कि जब उसके खिलाफ जो आवाज़ें हैं जो बढ़ना शुरू होंगी, जैसे अब आपको नज़र आ रहा है कि पहले जो है आपको शायद एक आध कोई नज़र आता था, आप यूट्यूब खोलें आपको हर वक्त कोई ना कोई जो है एक्स मुस्लिम या कोई एथियस्ट आपको किसी ना किसी बहुत बात करता हुआ नज़र आएगा। तो उस सेंस में मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इतना इसका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि फिर उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो दे हैड टू रिफॉर्म इन दिस सेंस कि आपको कवानीन चेंज करने पड़ेंगे। इवन कि पाकिस्तान में भी मुझे यकीन है, मैंने पाकिस्तान का कानून तो नहीं पढ़ा, कि वहाँ पर इसके खिलाफ कोई कानून मौजूद होगा कि जी आप ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते, उसमें अमल नहीं होता क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इसको इतना अहम नहीं समझती। लेकिन जब मेजॉरिटी बढ़ जाएगी दूसरी तरफ तो फिर शायद उसकी अहमियत जो है इजाफा होगा। और एंड यस, मैं भी ये कहना चाहूँगा, रे ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया है कि यस इट कैन ओनली बी इग्नोर्ड। So we can ignore, we are trying to ignore it, lekin Pakistan ki jo society hai, it's holding on to it. Aur jo Western Muslims and jo Western countries mein rehte hain, they are holding on to it. So I don't think it's going anywhere. Actually, it's spreading. So, ji, aap bataye, talk na Pakistan. मेरा एक्चुअली इस मामले के ऊपर थोड़ा सा ओपिनियन शायद आप सबसे मुख्तलिफ हो। जहाँ तक जो है वो सिर्फ हम बात करेंगे, अगर सिर्फ हम बात करें ऑनर किलिंग की, तो ऑनर किलिंग वाला मसला, चूंकि अगर आप मेरे से ओपिनियन मांगें, तो चूंकि ये मसला डायरेक्टली इस्लाम से नहीं आ रहा, इसलिए इस तरह के मसले को टैकल करना विद इन इस्लामिक सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। इसके मुकाबले में आप मिसाल लीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रुस्तम भाई ने बात की थी LGBT की, ठीक है, उसका एक क्लियर कट हुक्म जो है वो कुरान में मौजूद है, उसको जो है वो उसको आप बगैर रिफॉर्म किए इग्नोर किए बिल्कुल उसको तो विद इन एन इस्लामिक फ्रेमवर्क किसी भी तरह जो है वो टैकल नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक ऑनर किलिंग का ऑनर किलिंग गैरत के नाम पर कत्ल की जो बात है, उसको किसी ना किसी हद तक इस्लाम के फ्रेमवर्क के अंदर हैंडल किया जा सकता है बगैर जो है वो मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म किए या बगैर इसको मुकम्मल तौर पर हटाए।
ये लेकिन एज आई सेड, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये ओपिनियन मैं सिर्फ इस बुनियाद पर बेस कर रहा हूँ क्योंकि इस्लाम के अंदर एक क्लियर कट हुक्म मौजूद नहीं है, जो 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 एक क्लियर कट डायरेक्शन मौजूद नहीं है कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाए इसका, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म मौजूद नहीं है। हम जिन्स परस्तों के खिलाफ स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्लियर कट हुक्म मौजूद है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हुक्म मौजूद नहीं है इसलिए इसकी मुख्तलिफ किस्म की तावीलें बनाकर, इंजीनियर साहब कोई और बात करेंगे, गांधी साहब कोई और बात करेंगे, इस तरीके से ना तावीलें बनाकर इस मसले को जो है वो मौजूदा फ्रेमवर्क के अंदर ही हल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो कल्चर है हमारा, जो है हमारा कल्चर तो इंडस सिविलाइजेशन था ना, तो इंडस सिविलाइजेशन में तो काफी गॉडेसेस थी, वुमेन वर नॉट ट्रीटेड एज बैडली, जो जो कह रहे हैं कि कल्चर जो है ये हमारा है, ये इंडिया से आया है। अगर आप देखें हिंदुइज्म में भी तो वहां तो काफी सारी फीमेल गॉडेसेस, आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट अ पैट्रियार्कल रिलीजन, but I'm just saying that it's not the culture was not as bad for women जो इंडस सिविलाइजेशन थी। हाँ, लेकिन आप ये भी देखें कि बल्कि जो पुराने मज़ाहिब थे उनके अंदर ख़वातीन को काफ़ी इज्जत दी जाती थी, उनको उनको मदर गॉडेस और वो खुदाओं की माँ और इस तरह की। इवन कि पाकिस्तान में भी आपने वो कराची में देखा होगा वो डांसिंग गर्ल का जो मुजस्मा जो मोहनजोदड़ो से मिला है, तो वो आपको डिपेक्ट उसी सूरत में करते हैं उस ज़माने में किसी चीज़ को तस्वीर में या मुजस्मों में जिसकी वैल्यू हुआ करती थी। जैसे आप इजिप्शियन ओल्ड इजिप्शियन रिलीजन में भी देख लें, वहाँ भी जो है ख़वातीन को, ये तो बात के आने वाले जो मज़ाहिब है जो जूडियो क्रिश्चियन इन्होंने क्रिश्चियनिटी इन्होंने काम ख़राब किया है, इन्होंने आके जो है ना उसके बाद से फिर इसके अंदर पेट्रियार्की का एलिमेंट लेकर आए। वही मैं बताना चाह रही थी कि इंडस इज द मोस्ट यू नो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जस्ट लाइक सुमेरियन और जो जो ग्रीक्स कह रही हूँ, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसके साथ थी। अब इसमें देखेंगे इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वेमेन वर इनिशियली गेटिंग मोर रिस्पेक्ट एंड हाई स्टेटस कम्पेयर टू अदर डिफरेंट सोसाइटीज। वेमेन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इनिशियली वर फ्री टू डेवलप देयर एबिलिटीज एंड पर्सनल चॉइसेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज। Historical sculptures discovered from Indus Valley civilization highlighted the significant role played by women during the ancient period. However, women were not considered as property. They were even not on par with their male counterparts. Bull riding was one of the primary transportation means. So, performed by women. So, आप देखें कि बड़ी empowered थी। Even अगर आप ये Indus civilization के अलावा भी अगर आप देखें जो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसमें भी फीमेल क्वींस थी और उनकी काफी सारी ममीज मिलती हैं, दे वर यू नो बरेड। सो दीज रिलीजन्स, ये जो जूडो क्रिश्चियन और इस्लाम है, दीज आर द वेरी लाइक दे आर द बैकवर्ड रिलीजन जिन्होंने वेमेन के स्टेटस को बहुत कम किया और उनको एक लिटरली एक सब स्पीशीज के तौर पर या सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया। और आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वेमेन कैन नॉट सी थ्रू दिस। ये इसके अंदर, ये मेरे ख्याल में आपने देखा होगा एक फिनोमेना के बाज़ अवकात आपने घरों में अगर परिंदे पाल रहे ना, तो हमारे घर में भी एक बहुत बड़ा पिंजरा था और उसके अंदर हम तोते थे और थोड़े से परिंदे थे। हमने उनको कभी बंद नहीं किया था, मतलब दरवाज़ा उसका हमेशा खुला होता था, अब फ्री टू गो, लेकिन वो कभी नहीं आते थे। बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम कोशिश कर रहे थे वो बाहर निकले तो वो अंदर से बाहर निकलने की मतलब मुश्किल होती थी। तो मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकली भी आपके ऊपर एक असर होता है कि अगर आप एक जगह पे पैदा हुए और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया है और उसमें डाल दिया गया है बार बार बचपन से कि आप ये आपके लिए ठीक है, तो वो कई दफ़ा आप उसको शायद एक रियलिटी समझने लग जाते हैं कि नहीं यार शायद यही रियलिटी है मुझे इसी साथ, तो इसका इसके साथ भी ज़रूर ताल्लुक है। लेकिन आई होप कि जैसे अब मैं अगेन ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन के जैसे जैसे माशरा तरक्की कर रहा है मुझे उम्मीद है कि जो है ना इसमें बेहतरी आएगी, तो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक इन दिस सेंस, उसमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। जी हेड्रियन आए। जी हेड्रियन, हाय आप अपने डॉक्टर, क्या क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपने शुभ विचार हमारे साथ। ओ, इतनी मुश्किल गाड़ी उर्दू और हिंदी मुझे खुद को समझ नहीं आया, लेकिन
नहीं सॉरी, तो मैं काम पे हूँ, लेकिन डॉक्टर ना पाकिस्तानी ने आई थिंक वो उसकी रवायत दी थी कि इस्लाम में कोई डायरेक्ट कमांडमेंट नहीं है गैरत किलिंग का. तो इसमें मैं ये शेयर करने आया कि इस्लाम में मतलब इसको डिनाउंस भी नहीं किया गया. तो आप जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एक किस्म का इस्लामिक गैरत पे किलिंग्स नजर आ जाती है, ऑल्दो फॉर डिफरेंट रीजंस. लेकिन आप क्योंकि कोई एक डायरेक्ट कमांडमेंट नहीं है या डायरेक्टली इसको डिनाउंस नहीं किया गया, तो अनफॉर्चुनेटली एज एवरीथिंग विद इस्लाम आप इसका कोई भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक हदीस है जहां पे ये कहा गया है कि कोई भी खवातीन अपने हस्बैंड नहीं चूज कर सकती है, और जो चूज करती है शी इज एन एडल्ट्रेस. तो अभी इस्लामिक सोसाइटी में अगर कोई मुस्लिम लड़की एक किसी और मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाए, लाइक भाग के शादी कर ले, तो फिर अब मैं ऐसी भी स्टोरियां आई हैं कि उन लड़कियों का भी कत्ल हुआ है. तो इसमें अभी क्या उन्होंने ये कत्ल इसीलिए किया कि क्योंकि उनको उन हदीसों के बारे में पता थी तो उन्होंने ऑनर की लिंक कर दिया, या फिर वो कल्चर का पार्ट है? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. लेकिन इन द एंड मैं ये कह रहा था, आई थिंक लास्ट वीक मैंने स्पेस में भी कही थी कि या हमारे कल्चर में ऑलरेडी ऑनर किलिंग है विच इज आउटसाइड द रिलीजन भी. उसमें आपको काफी सारे कल्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट आपको ऑनर किलिंग्स मिल जाएंगी. आप उसमें अगर आप इस्लाम को बीच में ले आए तो इस्लाम भी इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करता है, डायरेक्टली डिनाउंस नहीं करता, तो इसीलिए उसको मैं समझता हूँ इनडायरेक्टली सपोर्ट कर जाता है. तो अभी जो लोग कहते हैं ना कि इज इट अ पार्ट ऑफ कल्चर और रिलीजन, अभी तो भाई इट्स अ पार्ट ऑफ बोथ. अभी तुम क्या करोगे? व्हाई आर यू जस्ट टेकिंग इट एज कल्चर? कल्चर तो कॉप आउट कर रहे हो तुम. तो इन द एंड के यू नो दिस इट्स रियली बैड के यू नो हमारा रिलीजन में भी वो है और हमारे कल्चर में भी वो है. सारे सब कॉन्टिनेंटल कल्चर में नहीं, लेकिन काफी हद तक बहुत सारों में है, और स्पेसिफिकली इस्लाम में तो सबसे बुरा वाला, उसमें तो सीधा कत्ल कर देते हैं. तो अच्छा लोगों को अगर याद हो तो बताएं, जिसमें प्रॉफिट को शक होता है कि कोई इंसान कोई आदमी था जो उनकी वन ऑफ द वाइफ्स के साथ था, तो ही सेंट अली और उमर टू किल हिम. व्हेन ही गोस देन ही सीज के वो तो इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो वापस आते हैं. वो वाइफ नहीं था डॉक्टर, वो सेक्स स्लेव था. इट्स इवन वर्स. वो उससे भी ज्यादा वो भी, हाँ वो है काफी है. किसी को अगर किसी के पास वो हदीस है तो वो शेयर करते हैं, क्योंकि नहीं, लेकिन एक वाक्य और था ना जिसमें प्रॉफिट को मोहम्मद को आयशा पे शक हुआ था. वाज आयशा आई थिंक, या हाँ, तो वो वाक्य भी है. वो ये हदीस अगर किसी के पास है तो प्लीज जरूर शेयर करें, जिसमें नहीं उसमें, हाँ उसमें वो मर्द जो है वो मत यह है कि मेरी तो मर्दानगी की चीज ही नहीं, क्योंकि वो जंग में ऑलरेडी कट चुकी है. तो वो बेखाल में आप शायद उसका रेफरेंस दे रही है. वो नहीं नहीं जंग में नहीं कटी है. आप लोगों ने मेरी स्लेवरी वाली वीडियो देखी होगी. ये जो स्लेव्स होते थे ना, इनको इनके बकायदा जो ऑर्गन्स हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनको एम्पिटेट कर देते थे ताकि सेफ फील करें अपनी वाइफ्स, क्योंकि वो अपनी वाइफ्स के आते जाते थे ना, तो दे यूज्ड टू फील सेफ. तो सारे जो स्लेव्स थे उनको एम्पिटेट कर देते. यस, स्लेवरी ओरिजिन ऑफ स्लेवरी की जो मेरी वीडियो है पार्ट वन, उसको देखें. तो उसमें बकायदा दीज यूज्ड टू बी, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी. जितने भी वॉर्स में आते थे मर्दों के सेक्सुअल ऑर्गन्स को एम्पिटेट कर दिया जाता था, यू नो जो भी ऑर्कियेक्टमी या यू नो पेनिस को रिमूव कर देते थे ताकि वो सेफ फील करें अराउंड देयर वुमेन. सो ये जो सेक्स स्लेव्स के साथ जो प्रॉफिट को शक हुआ, तो उन्होंने उस बंदे को भेजा और जाके चेक किया, तो उसके तो यू नो ही डिडंट हैव ऑल दोस. तो हां वो वही नहीं, बेसिकली बात वही है, कल्चर की बात हो रही है. और कि उस जमाने में भी जो ये सो कॉल्ड एक ऐसा रिलीजन था जिसने आके इस दुनिया से तारीकी का खात्मा करना था, वो आके वही काम कर रहा है, बल्कि उसके ऊपर एक और ठप्पा लगा रहा है, जलती पे तेल का काम कर रहा है कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, बल्कि मैं इसके अलावा और तुम्हें सैंक्शंस करता हूँ कि तुम खवातीन पे और पाबंदी लगाओ. तो ये जो वही बात है हेड्रेन और डॉक्टर ना पाकिस्तानी वाली, कि इन्होंने एक ऑलरेडी खराब सिस्टम के ऊपर एक और उससे ज्यादा खराब सिस्टम ला के बिठा दिया, तो वो अब जो है वो पहले से ज्यादा मुसीबत पड़ गई है लोगों को.
नहीं, थैंक यू रुस्तम भाई. मैं ये भी कहने वाला था, आप लोगों ने जो बात की ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में गॉडेसेस भी थी और वुमेन के, ठीक है इस्लाम से ज्यादा राइट्स थी शायद, व्हाटएवर, लेकिन इन द एंड वो भी कोई मैट्रियार्कल या फिर इक्वल सोसाइटी नहीं था. यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, जो गॉडेस इसमें बिलीव करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वो भी ऑनर किलिंग कर देते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है. ऊपर से आप तकरीबन ऑलमोस्ट आप देख लें तो सारे ही सोसाइटी इस्लाम से कम पेट्रियार्कल था हिस्टोरिकली, इंक्लूडिंग रोमन्स, ग्रीक्स, साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन को देख, लेकिन इन द एंड they were still equivalently patriarchal and so many ways, बहुत तरीके से, या हमारे जिस तरीके इस जमाने के जिस equality की हम बात करते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है, आप कह सकते हैं कि women had more rights in those kind of society, but even that was not good. मैं बस ये कह रहा हूँ, वो भी कुछ खास, मतलब आपको अगर अभी वो उसी society अभी मिल जाएगा तो आप उसके against भी आपको fight करना पड़ेगा. तो हेड्रियन भाई, मैं थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दे दूं. मैंने जो बात की थी, मैंने एग्जैक्टली यही कहा था, जैसे आपने कहा कि इस्लाम के अंदर चूंकि क्लियर कट हुक्म नहीं है, तो इसलिए इस मसले को बाकी के मसाइल की निस्बत टैकल करना आसान है. और स्ट्रीम के शुरू में मैंने वो जिस हदीस का आपने ज़िक्र किया, मैंने वो भी दिखाई थी, डॉक्टर साहिबा ने वो भी दिखाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिसमें लिखा हुआ था कि ऐसी खातून जो वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे उसका निकाह इनवैलिड है. और हमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी एक रवायत देखी थी जिसमें शादी के गवाह जो है वो मर्द और औरत थे, तो हज़रत उमर ने कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनको रजम करता. ये सारी चीज़ें हैं, और जैसे आपने भी कहा, हम दोनों इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं कि क्योंकि इस्लाम के अंदर इसका एक क्लियर कट, एक आप कह लीजिए एक प्रेसिडेंस मौजूद नहीं है, कोई आयत मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस तरह के मसले को टैकल करना निस्बतन जो है वो काफ़ी आसान है. और वैसे मैंने डॉक्टर साहिबा को जो अभी जिससे रवायत की हम बात कर रहे थे वो भी मैंने प्राइवेट, अच्छा जी, तो अब ये मैंने शेयर किया, इसको आप पढ़ लें, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन. अब इसके अंदर आप जो है वो इस रवायत के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन एक अपोलोजिस्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो इस रवायत के खिलाफ क्रिएट किया जा सकता है. आपको इसके अंदर जो है वो यकीनन गैरत के नाम के ऊपर कत्ल की एक सूरत जो है वो नजर आ रही होगी, लेकिन इवन देन मैं इसके खिलाफ एक अपोलोजेटिक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ ये कहने के लिए कि नहीं, ये गैरत के नाम पर कत्ल एज सच इसको जो है वो नहीं कहा जा सकता. तो कहने की बात सिर्फ ये है कि इस मसले को आप इसको प्रॉपर्टी डैमेज कह सकते हैं, मोहम्मद अपनी प्रॉपर्टी डैमेज के खिलाफ जा रहा था. आप वो भी कह सकते हैं रुस्तम भाई, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कत्ल हो कर दिया जाता ना, तो फिर शायद जो है वो ये मुकदमा क्रिएट किया जा सकता था. लेकिन ऑफकोर्स जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हेड्रियन भाई ने भी कहा कि सारे का सारा मसला जो है वो पैट्रियार्की का है, और चूंकि ये वाला मज़हब एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैट्रियार्कल है, इसके अंदर ये मसाइल हमें ज़्यादा जो है वो दिखते हैं. एक बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब जब वो आप इजाजत देंगी तो वी कैन टेक इट लेटर. ये चार्ज विद फोर्निकेशन विद द स्लेव गर्ल ऑफ अल्लाहस मैसेंजर, मीन देयर इज नो शेम हियर. अच्छा, देयर अपॉन अल्लाहस मैसेंजर सेड टू अली, गो एंड स्ट्राइक हिज नेक. अली केम टू हिम एंड ही फाउंड हिम इन अ वेल in a well making his body cool. Ali said to him, come out. And as he took hold of his hand and brought him out, he found that his sexual organ had been cut. Hazrat Ali refrained from striking his neck. He came to Allah's apostle and said, Allah's messenger, he has not even the sexual organ with him. So basically, usko qatl karne bheja. डॉक्टर साहब, इसी
बिल्कुल इसी 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 रवायत को अगर आप देख लीजिए तो सबसे पहले तो इसके अंदर आप देखिए कि ये कुरान का जो एक हुक्म है चार गवाहों वाला, उसके खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ना कोई भी रवायत आपको ना ऐसी एटलीस्ट मुझे अभी तक नहीं मिली जिसके अंदर क्लियर कट जो है वो नजर आ रहा हो। इसको खत्म करने का, गैरत के नाम पर कत्ल को खत्म करने का सबसे सबसे जो बेसिक तरीका है वो है कि आप इसकी इसके इसकी सजा देनी शुरू करें। और वहां पर अब जो है ना मुकम्मल तौर पर उसको उस इस बात को उसकी सजा को रोकने के लिए जो चीज आती है हमारे सामने वो क्लियर कट इस्लाम है, वो क्लियर कट इस्लाम का एक हुक्म है। जैसे कि मैंने कहा पहले, गैरत के नाम पर कत्ल करने का हुक्म इस्लाम में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जब ऐसे कत्ल के सजा देने की बात आती है, ऐसे कत्ल के ऊपर जो मुजरम है उसको फांसी देने की बात आती है या उसको किसी किस्म की सजा देने की बात आती है, वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इस्लाम का ही एक हुक्म आकर खड़ा हो जाता है, जिसे हम दियत का कानून कहते हैं, जिसे हम ब्लड मनी कहते हैं। और ये कानून जो है वो बुनियादी तौर पर यही है कि अगर जो है वो जो 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 जिस इंसान का कत्ल किया गया है, जो मकतूल है, उसके घर वाले अगर माफ कर दें, तो जो कातिल है उसको माफ कर दिया जाता है। अब नॉर्मली गैरत के नाम पर जो कत्ल किए जाते हैं उसमें बुनियादी तौर पर बेटी या बहन जो है वो कत्ल हो रही होती है, उसको कत्ल करने वाले बाप या भाई होते हैं, और उसके जो लवाहिकीन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसकी माँ होगी, अगर भाई ने कत्ल किया होगा तो उसके वालदैन होंगे, और उन्होंने जो है वो अपने बेटे या अपने भाई को माफ करना ही होता है। ये जो माफी वाला तसव्वुर है कि आपके लवाहिकीन किसी को माफ कर सकते हैं, ये तसव्वुर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इस्लाम से आता है। ये डायरेक्ट इस्लाम का हुक्म है, ये डायरेक्ट कुरान में हुक्म है कि जो है वो आप माफ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो आप देखें कि गैरत के नाम पर को कत्ल करने से रोकने वाली जो चीज है, दैट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम इस्लाम। इसलिए इसके इसके खिलाफ जो कानून साजी है वो करने के अंदर भी जो है वो हमें मसले होते हैं। जैसे हेड्रियन भाई ने कहा, इंडिया के अंदर भी ये मसाइल हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस बात को इन चूंकि वो इन गैरत के नाम पर कत्ल को आम कत्ल से शायद डिफरेंटली डील करते हैं, तो शायद इसलिए ये मसला हल हो सकता है। लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर गैरत के नाम पे कत्ल को आम कत्ल के साथ ही डील किया जाता रहेगा, तब तक ये मसला जो है वो हल नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब भी आम कत्ल की बात होगी, इस्लामी कानून उसके अंदर एक्टिव होता है और वो माफ करने की, ब्लड मनी देने की बात करता है। और जैसे ही वो कानून एक्टिव होता है, चूंकि यहाँ पर रिश्ते ही इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर माफी अक्सर अक्सर औकात, बेशतर औकात मिल जाती है, इसलिए ये इस बात को रोका नहीं जा सकता। तो ये मेरा सिर्फ एक पॉइंट था जो मेरे ख्याल मैं अच्छा क्लियर करना चाहता था। डॉक्टर, एक क्वेश्चन है मदिया, अगर आप अलाउ करें तो। हेलो, बिल्कुल करें हेड्रियन, आपने या बात की। डॉक्टर, आपने आपको ये भी तो शायद आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि आप ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इराक, ये 6 कंट्रीज मैंने अभी लिए हैं। इनके मेरे पास न्यूज क्लिप्स पड़े थे मेरे डेस्कटॉप में, जो अब मेरे पास नहीं है। तो लेकिन मैं ये शेयर कर दूं कि यहाँ पे आपको गैरत के कत्ल के अलावा एक और चीज नजर आती है कि यहाँ पे जो एसिड अटैक्स होते हैं खवातीनों के ऊपर, आप उनके अगर न्यूज पढ़ेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि वो लड़का वो लड़की से शादी करना चाहता था, लड़की मना कर दिया, लेकिन लड़के का ईगो इतनी बुरी तरीके से हर्ट हो गया कि उसने उस लड़की को, लड़की के ऊपर एसिड अटैक्स किए हैं। ये आपको ईरान से मिल जाएंगे, बांग्लादेश से मिल जाएंगे, पाकिस्तान का पता नहीं क्योंकि वहां पे शायद स्ट्रेट कत्ल कर देते हैं, तो इराक से मिल जाएंगे और इजिप्ट से मिल जाएंगे। तो आप ये 4 कंट्रीज जो इतने मुख्तलिफ हैं कल्चरली, लेकिन इस्लाम इसमें यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है और इनके मर्दों की हरकतें ऐसी हैं, तो क्या ये कल्चर से आता है या रिलीजन से आता है? हेड्रियन भाई, अगर मैं बिल्कुल ज़्यादा मतलब लंबी बात मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा कि इसका ताल्लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड पितरशाही से है, और मर्द का ये तसव्वुर कि इस औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की,
औरत को प्रॉपर्टी समझना, औरतों को कमतर समझना, इसका ताल्लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी के साथ है। अगर अगर मैं जो है वो अगर आप और इन चीज़ों के लिए इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जहाँ पर ठहराया जा सकता है, जहाँ पर इस्लाम जो है वो कहता है कि मर्द औरत के ऊपर अफजल हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक क्राइम को इस्लाम के ऊपर रखेंगे तो फिर मुझे जो है वो फिर मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको मुझे फिर इस्लाम के जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर उसका प्रेसिडेंस जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो ये बस इतनी ही बात मैं अभी फिलहाल करूंगा, बाकी की बात हम करते ही रहते हैं तो हम ऑफलाइन कर लेंगे। अच्छा, ये जो किसास और दियत का जो कानून है, जो बाइबल से कुरान ने चोरी किया और बाइबल ने चोरी किया कोड ऑफ हमराबी से, ये कोड ऑफ हमराबी नंबर 196 है। अगर आप ये सारे कोड्स पढ़ें जो अभी रे द प्रोड्यूसर लिख रहे थे ना, ओल्ड टेस्टामेंट की जो सारी बातें, वो आप हमराबी कोड को पढ़ें, उनको साथ साथ रखें, दे आर ऑल सिमिलर। सो बेसिकली बाइबल कॉपी हुई इससे और फिर कुरान ने बाइबल को कॉपी किया। सो ये कोड ऑफ हमराबी है एंशिएंट बेबीलोनियन लॉ के, a free person puts out the eye of another free person and the person's eye shall be put out, this law often referred to as eye for an eye, theek hai। aur isi tarah qisas ka hai, mujhe exactly to nahi pata lekin usme bhi yahi hai ki khoon ka badla khoon, aankh ka badla aankh, to ye wahi, you know, aap jo hain, there is nothing divine about these laws, these are all existed even before these religions। to ji ab baat kare complete apni हिडन बात कर रहे थे। हाँ, हिडन आप जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में डेफिनेटली एसिड अटैक्स के बहुत सारे केसेस होते हैं और मेरे ख्याल ज्यादा ही होते होंगे बांग्लादेश और जो इंडिया है। और बल्कि शर्मीन उबैद शनॉय ने एक मूवी भी बनाई थी एसिड सर्वाइवर्स पे और उसके बाद उन्हें काफी गालियां पड़ी थी, उनको यहूदी एजेंट बना दिया था जिस तरह मलाला पे, यू नो। तो पाकिस्तान में ये सब शुरू के पाकिस्तान का आप एक बुरी पिक्चर दिखा रही हैं, you should show the positive image of Pakistan, softer image, aap ye kya dikha rahi hai, to hota hi nahi hai, is tarah ki kafi, you know, bs aayi thi social media pe। yeah, continue। nahi to exactly na, agar aap islam ko hamare society se hata bhi den to fir patriarchy to tabhi khatam nahi honi, aap tabhi acid attacks kaise band kar sakte hain। ये चीजें यू नो इन नॉर्थ अमेरिका में भी होती हैं, एसिड अटैक्स भले नहीं होती लेकिन वायलेंट असॉल्ट तभी होती हैं रिजेक्शन के बाद या फिर काफी बहुत टाइम मर्डर्स भी हो जाते हैं, यू नो, अगर वाइफ चीट करती है तो फिर आपको केसेस मिल जाएंगे कि हस्बैंड ने उनका कत्ल ही कर दिया। एंड ये तो इशू इज के यार हमारे सोसाइटी और सारे सोसाइटी इनहेरेंटली पेट्रियार्कल है, उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है और इस्लाम बेसिकली उस पेट्रियार्की को स्टीरॉइड्स में डाल दिया है। क्रिश्चियनिटी भी इट्स बेसिकली, अगर आप अंदर से एक आपको आपके होमिसाइडल टेंडेंसीज हो और ऊपर से आपके पास एक रिलीजन आ जाए जो बोले आपको कि होमिसाइड करने में आपको स्वाब मिलेगा तो फिर उल्टा आप और होमिसाइड करेंगे, तो दैट्स बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। बट यस, इसको सॉल्व करने के लिए हमें तो रिलीजन हटाना पड़ेगा, ये कल्चर भी हटाना पड़ेगा, वरना वी आर नॉट गोइंग टू इवॉल्व एट ऑल। अच्छा देखें, आप जो कह रहे हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो तो चेंज तभी होगी ना जब मजहब रास्ते से हटेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब ख्वातीन औरत मार्च के लिए आती हैं सड़कों पर तो उन्हें क्या कहा जाता है कि इस्लाम ने आपको सारे हकूक दे दिए, आप वापस घरों में जाएं जाके रोटियां पकाएं, ठीक है, और आपको तनी क्या सूरह नास में सारे मिल गए हैं, नहीं कौन सी, सूरह निसा में आपको सारे राइट्स दे दिए हैं, और ये तो ये रिलीजन इज टर्निंग इन द वे ऑफ यू नो एंडिंग द कल्चर, कल्चर और रिलीजन इंटरट्वाइंड है, तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैश है, और इस्लाम इज वेरी इनफ्लेक्सिबल रिलीजन, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं भी वो वेस्टर्न सोसाइटीज में रह के फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी जो लोग फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखाते हैं वो बड़े बड़े सिटीज में हैं, अगर आप यू नो छोटे छोटे शहरों में जाएं तो वो वहीं पे आपको वही यू नो नजर आती है जहालत। सो
नहीं वहाँ पर भी तब्दीली आ रही है. मेरा ख्याल है IWB जो है उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से ही है इन द सेंस की जो पॉपुलेशन, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें तब्दीली आ रही है. लेकिन ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक मज़ाहिब खासतौर पर इस्लाम जो है ना ख़वातीन को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करना बंद नहीं कर देंगे. ये मसला है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस्लाम के अंदर खातून जो है वो इंसान नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको हासिल किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू है, और वो वैल्यू जो है वो डेवलपमेंट मुख्तलिफ वाली केसेस में चीज है. मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट होती है. कहीं वो इज्जत की तरह वैल्यू बन जाती है, कहीं वो जो है एक 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 नंबर बन जाता है कि जी मेरे पास कितने 4 होनी चाहिए, या उसको जो है आप जब उसकी गवाही की बात होती है तो वो आधी हो जाती है, आधी हो जाती है. तो जब तक ये जो मसला है ना कि जो खातून को इंसान जब तक नहीं समझना शुरू करेंगे लोग कि वो भी हमारी तरह एक इंसान है, मतलब ये जब तक उनके जहनों में नहीं आएगा ये मसला जो है हल होने वाला नहीं है. तो इसमें डेफिनेटली टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन इसका हल अभी पाकिस्तान ने फिक्स किया है कि 4 शादियों के लिए बीवी की इजाजत की जरूरत नहीं है. तो ये तो सोसाइटी लाइक नी लाइक आई वुड से नेक डीप है पेट्रियार्की और रिलीजन और इस गंध में लथड़ी हुई है. लाइक यू कैन नॉट, देयर इज नो होप फॉर देम. अभी मैं डॉक्टर साहबा, बट दैट इज ट्रू दो. आपको दूसरी बीवियों की इजाजत नहीं चाहिए दूसरी शादी करने के लिए. डॉक्टर जी साहब, आप डॉक्टर इससे आप देखिए कि मुआशरे के अंदर आपके पास मसाइल कितने बढ़ जाएंगे. हमें जो है वो अच्छी तरह ये पता है कि आपके पास जो मर्द और औरतों की रेशियो है वो सेम होती है, 1:1 रेशियो होती है. मर्द थोड़े से ज्यादा होते हैं खवातीन से, लेकिन इन जनरल जो है वो रेशियो सेम होती है. अगर आप ये ज्यूम कर लें कि आपके पास मुआशरे के अंदर सारे के सारे मर्द जो है वो हर मर्द जो है वो 4-4 शादियां करने लग गया, दैट मीन्स के 25% मर्द जो है वो उनके पास 100% मुआशरे की औरतें हैं. अब आपके पास जो 75% मर्द हैं वो बगैर औरतों के मुआशरे के अंदर आपके पास फिर रहे होंगे. मुआशरे के तमाम जो 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 मर्द हैं वो अगर सारे के सारे तो 4 शादियां नहीं कर सकते ना, क्योंकि देयर आर नॉट 4 टाइम्स विमेन देन मैन. वो तो रेशियो 1:1 ही है ऑलमोस्ट. तो फिर आप देखिए कि मुआशरे के अंदर किस कदर जो है वो किस कदर जो है वो बिगाड़ पैदा हो जाएगा अगर इस तरह के कवानीन को बढ़ावा दिया जाए, अगर इस तरह की चीज को इनकरेज किया जाए. हाँ, लेकिन डॉक्टर उसके लिए आपको इस्लाम पूरा हटाना पड़ेगा. लोग जैसे मदिया कह रही थी कि इसके बहुत सारे लेयर्स हैं और मुस्लिम सोसाइटीज में सबसे पहला लेयर अनफॉर्चुनेटली इस्लाम है. तो अगर आप इस्लाम को हटा दें तो उसके साथ जो कल्चर इंटरट्वाइंड है शायद वो कल्चर भी हट जाएगा, और एंड में शायद थोड़ा बहुत और कल्चर रह जाएगा, फिर उसको भी हटाना पड़ेगा. लेकिन वो फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए इस्लाम को कंप्लीटली डिसमेंटल और सोसाइटी से निकालना पड़ेगा ही, क्योंकि इस्लाम में सिवाय मर्द को छोड़ के आप बाकी हर एक चीज को अगर प्रॉपर्टी माना जाता है, बीवी हो जाए, बच्चे हो जाए, कुछ भी हो जाए. आप ये इस्लाम कुरान का आयत मुझे याद नहीं है कि उस आयत में बेसिकली ये है कि अल्लाह आपको बहुत सारी बीवियां और बच्चों के साथ ब्लेस करता है. ये एज अ ब्लेसिंग क्यों काउंट हो रहा है और ये ऐसा क्यों लिखा गया जो कोई और रिलीजियस बुक्स में जहां तक मैं जानता हूं नहीं लिखा गया? क्योंकि औरत एक प्रॉपर्टी है, एक दौलत है जो आपको मिल रही है. फिर आपके 4 शादी की इजाजत क्यों है? क्योंकि अगेन आपको और दौलत, उनको प्रॉपर्टी दौलत की स्टेटस दिया हुआ है, आपको और दौलत मिल रही है. और फिर आपको लौंडीबाजी का अलाउंस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये थोड़ा डीप है एक्चुअली, कि जहां पे आप किसी अपने दुश्मन को मार के आप जब उनकी खवातीनों के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं तो ये एक क्या बोलते हैं, सिंबलिज्म है कि मैं आपको मार के आपकी प्रॉपर्टी हड़प रहा हूं. इसमें क्या क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी का माइंडसेट है ये तो आप इस्लाम से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही ये जो, इंटीग्रल हाँ पार्ट है. ये जो वॉर बूटी का लफ्ज है ना, ये दोनों लिटरल मानों में इस्लाम के अंदर बिल्कुल इसी तरह यूज होता है जैसे बूटी का लफ्ज इस्तेमाल होता है. वो दोनों मानों में इस्तेमाल करते हैं इस्लाम वाले, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है, ये एक प्रॉपर्टी है और मैंने उसकी प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया, वरना ये कभी भी नहीं आ सकते क्या. और मा मलकत इमानुकुम व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस.
हाँ, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर सेक्स स्लेव, इट्स फॉर वुमेन टू, इंक्लूडिंग योर हाउसहोल्ड वुमेन. आप क्या बोलते हैं, क्यों अपने खवातीन को पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं? क्योंकि आपको डर है कि वो आपका प्रॉपर्टी कोई और छीन के ले जाएगा. आप तो ये हर चीज से, आप कोई भी रवायत से देखें, तो यहाँ पे आप इस हर एक ब्लेसिंग हो या पनिशमेंट हो या जो भी हो, आपको हमेशा ये नजर आ जाएगा इस्लामिक लिटरेचर से कि वुमेन को एज अ प्रॉपर्टी ही नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी की दर्जा दी जा रही है. और अगर और खवातीन को सजा मिलती भी है, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने खुद की प्रॉपर्टी होने का जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं निभाती. तो ये तो इसीलिए इस्लाम को हटा देंगे मुस्लिम सोसाइटी से, तो काफी हद तक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत या रह भी जाएंगी कल्चर की वजह से, बट द फर्स्ट लेयर इज इस्लाम एंटायरली. अच्छा, एक और चीज जो बार बार इस्लाम को क्रेडिट, इस्लाम अपने आप को खुद ही क्रेडिट देता है कि दीन फितरत है, तो फितरत में तो नहीं है कि ह्यूमंस अपना पार्टनर को शेयर करें, ना एनिमल्स शेयर करते हैं अपने पार्टनर को, ना ह्यूमंस दे लाइक टू शेयर देयर पार्टनर, जो इंटरमेट पार्टनर होता है, ना फीम ना वेमेन शेयर करना चाहती है, ना मेन शेयर करना चाहते हैं. दैट इज वाई यू नो आप एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से आप में ये जेलसी आई है कि आपको जब भी आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो तो आप जेलस होते हैं. तो हाउ इज इट दीन फितरत? फिर फितरत में तो ये भी है कि जो बच्चे हैं वो अबैंडन फील करते हैं जब बाप किसी और फैमिली के साथ जाता है. सो इट इज दीन फितरत. फितरत बस मर्दों का फितरत के लिए बना है, एंड आप देखें तो उसी के आपको वही नजर आ जाएगा. और पूरे कुरान में खुदा ने, गॉड ने, अल्लाह ने एक दफा भी वुमेन को एड्रेस नहीं किया. ही इज एड्रेसिंग गाइस टू टेक केयर ऑफ वुमेन, ही इज एड्रेसिंग गाइस टू डू दिस फॉर वुमेन, डू एड्रेसिंग गाइस टू लाइक वुमेन आर नॉट एड्रेस्ड. सो दिस इज अ वेरी यू नो क्वेश्चनेबल थिंग. अच्छा, आप लोगों ने वो यूट्यूब पे जो एक वीडियो आई है या नेटफ्लिक्स पे आई है मता वाली, जो इराक में मता मैरिजेस की जाती हैं. हाँ, मैंने भी इसको जो है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, मैंने भी इसको अपने ट्विटर पे जो है ना इसको रिपोस्ट किया था. तो वहाँ पर वो जो उन्होंने जिस तरीके से इसको पेश किया है, वो तो उससे तो यही लग रहा है कि भाई ना सिर्फ मता बल्कि एक मिसियार नाम के वो सुनियों के अंदर भी ये ट्रेडिशन है कि आप चाहे तो एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए बगैर पेपर पे, मतलब ये नहीं कि आप, बल्कि उसको इनक्रेज किया जाता है कि पेपर पर साइन ना करो, क्योंकि अगर पेपर पर साइन करोगे तो तुम्हारे गले पड़ जाएगी. मतलब ये इट्स अनदर फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इफ यू विल. उसको सिर्फ एक रिलीजियस ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, तो ये कहाँ से आया? ये वही इस्लाम है ना जो किसी जमाने में इस तरह प्रैक्टिस हुआ करता था, कि जिस तरह वो मोहम्मद की जो बहुत सारी हदीस है कि जी वो मुसलमान आए, उन्होंने औरतें पकड़ी एंड दे वांटेड टू हैव सेक्स, लेकिन उनको डर यह था कि वो खवातीन प्रेग्नेंट हो जाएंगी, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको फिर नान नफका देना पड़ेगा. तो मोहम्मद कहता है कि भाई अगर होता है तो करो. उसने ये नहीं कहा कि मना कर दिया कि नहीं नहीं गलत काम है तुम रेप ना करो, बल्कि उसने कहा भाई जिस औलाद ने पैदा होना वो तो हो जाएगी, तुमने जो करना है करो, अंदर करो बाहर करो. ये एक वही मेंटालिटी है जो हम अभी जिसकी हम कलेक्टिवली बात करें कि ये मर्दों की एक सोसाइटी है जिसके अंदर खवातीन एक ऑब्जेक्ट है. एक सेकंड, आपने जो पहले जो कमेंट आपने पोस्ट किया था ना, मैं बस ये बता दूं कि वो कमेंट कम्प्लीटली गलत है. उसमें क्या बोलते हैं, वो नीचे कमेंटर कह रहे हैं कि इंडिया में सिर्फ मुस्लिम से ऑनर किलिंग करते हैं, जो 100% कम्प्लीटली इनकरेक्ट है. ये इंडिया में हिंदू भी करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस पे भी. इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप इस्लाम को भी हटा दें तो आपके पास तब भी अपने खुद के इंडिजिनस रिलीजन और कल्चर भी है जो ऑनर किलिंग्स प्रमोट करता है. सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट. थैंक यू. या बिल्कुल ठीक है, इंडिया में भी ऑनर किलिंग होती है, इंडिया में भी वुमेन को प्रॉपर्टी के तौर पे हिंदुइज्म में वुमेन आर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी. जो कौन सी है जिसको उठा के वो ले गया था, सीता को उठा के ले गया था श्रीलंका का, जब वो वापस आती है तो उसको कहते हैं कि तुमने आग पे चलना है, अग्नि परीक्षा देनी है, और उसके बाद लाइक व्हाट वाज ऑल दैट. सो दिस इज ऑल पेट्रियार्की, दिस ऑल रिलीजंस आर द सेम थिंग. आप किसी आप के नहीं आ छुड़ा सकते. सो मच हो कि वो जब मतलब वो उसको कहती है, जब वो उसको राम जो है वो उसको सीता को छोड़ रहा होता है, तो वो उसको कहती है कि तुम मतलब तुमने मतलब वो समथिंग ऑफ द, मुझे एग्जैक्टली जो है वो उसके वर्ड्स नहीं याद, लेकिन वो ये था कि
उसको कहता है कि ये मतलब मैंने तो आई एम पैराफ्रेजिंग नाउ, तो वो बुनियादी तौर पर उसको कह रहा होता है कि ये मैंने अपने ऑनर के लिए जो है वो जंग लड़ी थी, तो मैंने जो है वो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत में जो है वो ये जंग नहीं लड़ी थी. इट्स समथिंग ऑन अलोंग दीज लाइन्स. उसके अंदर भी जो है वो उसका ऑनर एक एक चीज मेन उसके लिए एक फैक्टर होता है, बजाय इसके कि उसकी उसकी जो है वो बीवी को कोई किडनैप करके ले गया. तो ये जैसे मैंने कहा कि ये सारा के सारा जो है वो ये बिदरशाही है, जो कि आपके जो हमारे माशरों के अंदर औरत को प्रॉपर्टी बनाती है, औरत को जो है वो माँ सिवाय एक आप कह लीजिए कि बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा किसी किस्म का उसको रुतबा नहीं देती, फिर वो उसको घरों में कैद करती है, फिर वो उसे उसे गैरत के नाम पर कत्ल करवाती है. ये फिर मजाहिब उस पितरशाही को, उस पैट्रियार्कल सिस्टम को मजाहिब जो है वो सीमेंट कर देते हैं. वो कल्चर जो नॉर्मली इवॉल्व कर सकते थे, मजाहिब की वजह से वो इवॉल्व करना रुक जाते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर मजहब एक वक्त के अंदर जितनी मुआशरे की अखलाकियात होती हैं उनको वहां पर जो है वो सीमेंट कर देता है, वो उनको वहां पर फिक्स कर देता है, और अब सोसाइटी जो है वो फिर उससे आगे बढ़ने से इनकार कर देती है. और यहाँ पर भी हमें मोर और लेस जो है वो यही इसी तरह के रवैये नजर आ रहे हैं कि औरत को चूंकि आज से कई सदियां पहले कह दिया गया था कि वो मर्द के मुकाबले में उसकी आधी अकल है, आधी गवाही है, वो मर्द से एक दर्जा नीचे है, मर्द उसके ऊपर हाकिम है, लिहाजा वो जो चीज है वो अभी तक जो है वो चली आ रही है. अच्छा, पिछले सदी तक लाइक 1990s तक वेमेन वर गेटिंग सती सती होती थी. शौहर मर जाता था तो उनको बाल काट देते थे, बेवा को वाइट कपड़े पहना देते हैं. व्हाट इज ऑल दिस? सो ये दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर रिलीजन. आप लोग प्लीज ये ना इस्लाम पे या उसके बोगजे क्या उसके बोगज में आ जाते हैं, अपने रिलीजन को भी थोड़ा ये कह रहे हैं आप रामायण पढ़े, हमारे पास टाइम नहीं है फेरी टेल्स नहीं, और ये सती वाली बात बिल्कुल मैं जी ये 1990s नहीं है, आई थिंक 1690s या 1590s, सॉरी 1790s. मैं यही कहने वाला था कि सती का भी यही था कि मतलब मर्दों की इस हद तक जो है हुक्मरानी थी कि वो कहते थे कि हम मर गए तो तुम भी साथ में मर जाओ, मतलब तुम्हारी हाँ, कोई कोई वैल्यू नहीं है, हम मर गए तो तुम भी तुम्हें नहीं, नहीं नजर रहने की कोई नहीं. रुस्तम भाई, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप क्या बोलते हैं एंशियंट सिविलाइजेशन या वो उन सोसाइटी को भी देखें, तो उनके पास हाँ खवातीनों के पास थोड़ा बहुत ज्यादा राइट्स होता था, थोड़ी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन वो सोसाइटी भी पेट्रियार्किकल होती थी. आप रोमन एम्पायर या जो 500 साल तक क्रिश्चियनिटी से पहले इतना बड़ा एम्पायर बना बना हुआ था, वहां पे लड़कियां अपने खुद की पार्टनर नहीं चूज कर पाती थी फॉर द मोस्ट पार्ट. आप अगर वो एम्पायर नहीं करते थे, ग्रीक से इतने सारे नहीं करते थे, तो फिर यार इंडियन सिविलाइजेशन या बाकी सिविलाइजेशन कहाँ से करती होंगी. वी नहीं, वर नहीं ऑल उसमें नहीं, इनहेरेंटली हम उसमें राइट. हमने शुरू में ये बात की थी, वो बात ही हो रही थी कि वहां पर एटलीस्ट जो है एट गवर्नमेंटल लेवल पे, चाहे वो दिखाने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंटल लेवल पे वहाँ अभी इस तरह के कानून बन रहे हैं कि जहाँ पर अब इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है. अब जैसे सती की प्रैक्टिस नहीं होती है, बहुत कम होती है, और इसी तरह जो कानून है इंडिया में जो फॉर एग्जाम्पल वो बनाए जा रहे हैं कि जी आप उसको ये कह सकते हैं कि जी वहाँ ये कोशिश की जा रही है इसको रिवर्स करने की. हमारा मसला इस्लाम के साथ ये भी है ना कि वो इट्स टू रिजिड टू बी रिफॉर्म इन द सेंस कि वहाँ पर तो आपको ये सिखाना ही मुश्किल हो जाएगा लोगों को, भाई ये गलत काम है, आप खवातीन को इंसान समझे, वो तो गवाही उसकी पूरी नहीं मानने के लिए तैयार, तो इंसान तो समझना बहुत दूर की बात है. लेकिन पूरा हिस्सा है. अब ये कौन से लाइक दौर में बैठे हैं, वेमेन डिजर्व इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी, लेकिन वो भी कोई मुस्लिम मुसलमान नहीं मानेगा, दे आर नॉट गोना डू दैट. वो क्योंकि उसको भी शोहर से भी तो मिल रहा है, भी शोहर को भी तो बीवी से मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है बीवी से, मतलब दिस इज जस्ट टोटली रॉन्ग. या अच्छा नहीं, हिंदू कल्चर में ये भी तो है कि खवातीन मंगलसूत्र पहनती हैं, अपने सिंदूर लगाती हैं, दीज आर ऑल द साइंस के दे आर ओन्ड बाय अ मैन. मैन तो नहीं पहनते ऐसी कोई आइडेंटिटी के उनकी शादी हो चुकी है या दे आर ऑक्यूपाइड. वेमेन पे ये अपने निशान लगाते हैं कि यू नो शी इज टेकन, मैन पे क्यों नहीं ये निशान लगाते? सो दीज आर ऑल and just because you know polytheistic, sorry doctor na Pakistan, एक सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. जस्ट बिकॉज के उनके पास गॉडेसेस होती थी, इट डज नॉट मीन के दे वर अन इक्वल और फेमिनिस्ट सोसाइटी. गॉडेसेस, गॉड एंड गॉडेसेस को इंसान से ज्यादा दर्जात होता था. आप उन्हीं सोसाइटीज में जहाँ पे गॉडेसेस भी होती थी वहां पे
फीमेल सब्जुगेशन भी होता था मेरे पास. लाइक अ पार्ट ऑफ माय फैमिली कम्स फ्रॉम द हिंदू हिंदू साइड और मेरी नानी के ओ कोई भी इनहेरिटेंस में कुछ भी नहीं मिला बिकॉज दैट वॉज द हिंदू लॉ ऑफ बांग्लादेश जो उन्होंने चेंज करने के लिए अलाउ भी नहीं किया था. सो जस्ट बिकॉज यू नो हाँ थोड़ी बहुत ज्यादा राइट्स होंगी खवातीनों के पास इन अदर रिलीजन्स. And Rustam bhai is right. Islam to reform kari allow bhi nahi karta, so that makes it even worse. But it doesn't mean ke baki civilizations or religions bhi theek hain. They are just they are not. Main bas yehi keh raha tha. Thank you. Yeah, Hindu caste is so many patriarchal customs aur jo aapki practices hain. Aapke women have to do so much. और ये सारे मजहब एक ही जैसे हैं तो इन दे आर जस्ट लाइक सो आउटडेटेड दे जस्ट शुड बी डिस्कार्डेड लाइक राइट अवे. जिसके पास थोड़ा सा भी ब्रेन सेल्स हैं फंक्शनिंग ब्रेन सेल्स दे शुड जस्ट लुक इनटू इट एंड यू नो ताकि हम सब मूव ऑन करें टू यू नो थिंग्स दैट रियली मैटर टू ह्यूमैनिटी. तो वी आर लाइक लिटरली स्टक इन यू नो एक टाइम मशीन में हम एक स्टक हुए हैं पॉइंट इन टाइम में. जी अगर कुछ लोग अगर वो आप लेना चाहती हैं डॉक्टर साहबा क्या ख्याल है अगर कोई कमेंट या सवाल लेना चाहे ऑडियंस से. एडियन आपने कुछ कहना और नहीं मैं एक क्वेश्चन था आई वाज लाइक पता नहीं इसमें आप डीप डाइव करना चाहती हैं या नहीं लेकिन माय क्वेश्चन वाज अगर आप इस्लाम को जो हटा भी दें सोसाइटी से लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो तो तब भी रह जाएगा तो उसको कैसे काउंटर करेंगे हम सब मिलके. मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूं हेड्रियन भाई ये जो अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे ना ये जो मिसोजिनी है ये जो पैट्रियार्की है ये इस्लाम से बहुत पुरानी है और ये इस्लाम के बहुत अरसा बाद भी रहेगी. हमने जो है वो अक्सर ये देखा है मैंने एटलीस्ट मेरा पिछले कुछ अरसे में ये एक्सपीरियंस हुआ है कि इवन जो मुल्हिद होते हैं जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं उनके अंदर से भी ये वाले जो रवैये हैं ये अभी तक नहीं निकले. मतलब आप जो है वो देख सकते हैं कि कोई इंसान जो है वो 15-20 सालों से जो है वो एक्स मुस्लिम है इस्लाम को उसने छोड़ दिया बट स्टिल वो दिखाते हैं कि अपने रवैयों से कि हमारे अंदर से मिसोजिनी अभी नहीं गई. तो इन चीज़ों का ताल्लुक ये माशरती रवैये ऑफकोर्स जो है वो मज़हब उसमें एक करदार अदा करता है लेकिन इसका जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा डीप है. बिल्कुल एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि मेरा ये दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन अगेन कि अगर आपने जो है वो इस्लाम छोड़ना है तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स आपको सोचना पड़ेगा आपको जो है वो कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी चंद पॉइंट्स के ऊपर आप पॉन्डर अपॉन करेंगे एंड देन यू विल लीव इट राइट. आप जो है वो कुछ लेकिन अगर आपने जो है वो फेमिनिज्म अपनाना है अगर आपने जो है वो अपने अंदर से मिसोजिनी को निकालना है तो उसके लिए आपको जो है वो फिर एक शायद उससे एक बहुत लंबी स्ट्रगल चाहिए. खुद से बेशुमार क्वेश्चंस हैं अपने रवैयों को आपको देखना पड़ेगा. और अगर आप मेरे से देखिए मैं आप रुस्तम भाई हम लोग जो है वो हम जो है वो मर्द हैं ठीक है. हमने बेशक जो है वो हम पितरशाही के खिलाफ भी हों लेकिन इस बात से आपको जो है वो एग्री करना पड़ेगा कि हमने हजारों सालों से जो मौसम है वो जो पितरशाही है हम उसके फल खा रहे हैं. हम चाहते या ना चाहते हमें उस पितरशाही ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर फायदा पहुंचाया होगा. तो अगर आप इसको इस जाविये से देखें तो फिर आपके आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि लोग अपनी पावर को जो है वो क्यों लोग अपनी पावर को जो है वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते. वो मजहब छोड़ देते हैं लेकिन जो मिसोजिनी है जो पितरशाही है वो उनके अंदर से नहीं जाती. थैंक यू सो मच. हमारे साथ अवैस इकबाल ने ज्वाइन किया है. आप लोग शायद इनको अगर जानते हो ट्विटर पे और फेसबुक पे बहुत एक्टिव है. आई रिसेंटली केम अक्रॉस हिज यू नो प्रोफाइल तो बहुत ये पोएट्री बहुत अच्छी करते हैं. मैंने इनकी शेयर भी की थी. वेलकम अवैस. बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं बड़ी खट्टी मीठी बातें भी अच्छी करते हैं. काफी लोगों को गुस्सा चढ़ता है इनकी बातें पढ़ के. वेलकम अवैस. बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया मदिया. और मुझे बताइए कि इस वक्त हम किस मौजू पर बात कर रहे हैं.
कल्चर और रिलीजन, और हमने इस पे बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन की है, सारी जो हदीसें कोट की हैं और ये मेरा ख्याल उनको आवाज़ आपके पहले जो 2-3 सेकंड की आवाज़ नहीं आई, वो जी हाँ हमारा आज का सब्जेक्ट बेसिकली था ऑनर किलिंग, और जो उसमें हमने सवाल ही किया था कि ये क्या बेसिकली ये रिलीजन है या कल्चर है या दोनों का मिक्सअप है। और आपने ट्विटर पे तो जैसे आप काफ़ी एक्टिव हैं, आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ पाकिस्तान में किलिंग्स हुई हैं जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली खवातीन को उन्होंने बच्चों के सामने जो है वो भी गोलियां मार के सिर्फ इस बात पे कि या तो वो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी या उसके शौहर को कुछ पसंद नहीं था। तो हम उसके ऊपर ये डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके लिहाज से अगर आपको वेलकम कहते हैं, अगर आप इस पर कोई अपना पॉइंट या कोई कमेंट करना चाहते तो प्लीज़ गो अहेड। मेरा 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 मैं रिलीजन का एक बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ, और मैं पिछले 15 साल से ओपनली रिलीजन को अपोज करता हूँ, और मैं कोई मौका नहीं हाथ से जाने देता जिसमें मैं रिलीजन के ऊपर तनकीद ना करूँ या आर्मी पर तनकीद ना करूँ। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पर कल्चर का ऑनर किलिंग में ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि अगर आप देखें कि इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट के ऊपर, तो आपको सऊदी अरब में उस तरह से ऑनर किलिंग्स की खबरें आती हुई दिखाई नहीं देती। आपको यूएई से या मलेशिया से या तुर्की से ऑनर किलिंग्स की उस तरह से खबरें आती हुई दिखाई नहीं देती, हालांकि वो भी हमारी तरह के सॉरी हमारे मुसलमान जो ममालिक हैं वैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलीजन से ज्यादा एक कल्चरल एस्पेक्ट है, और वाकई इसमें पेट्रियार्की का बहुत ज्यादा अमल दखल है, क्योंकि जहां पर एक हेड ऑफ द फैमिली एक मर्द है और वो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसने खवातीन की हाइमन के साथ अपनी गैरत को वाबस्ता कर रखा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर खवातीन भी गैरत के नाम पर कत्ल करना शुरू करती तो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर कोई मर्द जिंदा बचता। हाँ, एक बात जरूर है मदिया, कि जो रिलीजन है उसने इस ऑनर किलिंग को एक तरह से प्रोटेक्शन दी है, और रिलीजन ने ऑनर किलिंग को प्रोटेक्शन इस तरह से दी है कि आपको याद होगा कि जुलाई 2016 के अंदर जब कंदील बलोच को कत्ल किया गया था, तो उसके भाई ने कत्ल किया था और उसके वालिद ने माफ कर दिया था। और ये जो दियत का और कसास का एक खूंखार अरब कानून है जिसको अब इस्लामी छतर छाया हासिल है, तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो गैरत के नाम पर कत्ल हैं वो अनपनिश्ड चले जाते हैं। और मैं अक्सर क्या कहते हैं, मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं एक खतरनाक बात करने लगा हूँ। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मैं एक बेटी का बाप हूँ, और मैंने ना अक्सर ऐसे ही सोचा कि एक दिन मैं अचानक घर पे आऊं और मेरी बीवी जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ नीम बरहना या फुल बरहना हालत में, और मैं उसको रंगे हाथों पकड़ लूं, ठीक है, पकड़ लूं, किसी पे भी मैं माजरत करता हूं, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा रिस्पॉन्स एक टिपिकल पाकिस्तानी मर्द की तरह तो यही होना चाहिए कि मैं उसको खड़े खड़े तलाक दे दूं। लेकिन उसकी वजह से मेरी जो बेटी है ना, वो माँ बाप के मुश्तरका साये से महरूम हो जाएगी। अगर मेरी बीवी की जिंसी इश्तिहा पूरी करने के मैं काबिल नहीं था तो ही वो इस स्टेज पर आई ना। तो इस वजह से अगर मैं उसको तलाक दे दूंगा तो सेपरेशन हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी तो वो कहीं और चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी तो बेटी भी उसके साथ चली जाएगी, और तो मैं वो बेटी जो है वो माँ बाप के मुश्तरका साये से महरूम हो जाएगी। तो मैंने ऐसे ही अपने अंदर एक खुफिया फैसला कर रखा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो द थिंग इज कि गैरत के नाम पर कत्ल ज्यादातर जो है अनपढ़ लोग होते करते हैं, और अनपढ़ से मुराद मेरी वो नहीं होती जिनके पास डिग्रियां नहीं होती। मैंने बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स भी अनपढ़ देखे हैं मदिया। अवेस, आपने जो ये बात की है ना कि सऊदी अरब से ऐसी खबरें नहीं आती हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि सऊदी अरब में तो खवातीन केस रिपोर्ट भी नहीं कर सकती, जब क्योंकि उनके पास तो एक्सेस ही नहीं है। और हमें सऊदी अरब से कितनी खबरें मिलती हैं, क्योंकि जो वहाँ पे जो मुलाजमा होती है, घरेलू मुलाजमा, उनके साथ रेप होते हैं, दे कैन नॉट रिपोर्ट। आपको पता है वहाँ पे वली सिस्टम था, जब तो MBS से आने से पहले तक पासपोर्ट तक उनके पास होते थे, और काफी सारी जो, क्योंकि उनको सेक्स स्लेव्स की तरह वो ट्रीट करते थे, और काफी वेमेन, अगर आपको पता चले कि सऊदी सोसाइटी, जो लोग वहां पे रहते हैं वो जो बताते हैं कि वो काफी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है, और वहां जी, पे मैं मदिया, मैंने मिडल ईस्ट में कुछ अरसा गुजारा है, मैं रहा भी हूँ दुबई में। तो देखें, एक घरेलू मुलाजमा के साथ ज्यादती करना
एक अलग इशू है, और गैरत के नाम पर अपनी किसी फैमिली मेंबर खातून को कत्ल करना एक अलग इशू है। तो सीक्रेट किंगडम नामी किताब भी लिखी गई सऊदी अरब के अंदर, और बहुत ज्यादा उनकी रॉयल फैमिली के सीक्रेट्स भी आउट हुए। देखें, जहां पर आग होती है ना वहां से धुआं निकल ही आता है, जहां पर खबर होती है ना वो लीक हो ही जाती है। तो उसके बावजूद हम सऊदी सोसाइटी के कोई ऐसे सीक्रेट एस्पेक्ट्स नहीं है जिससे मैं और आप ना वाकिफ हों। सऊदी अरब में खवातीन जो अब ओपन अप हो रही हैं एमबीएस की वजह से, और मैं एमबीएस को जाती तौर पर एक एथीस्ट ही समझता हूं, और मुझे लगता है कि वो साहब रिलीजन को बहुत अच्छी तरह से एज अ टूल ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें ये भी पता है कि रिलीजन से हमें कितना हमें रिलीजन चाहिए। तो अगर देखें जो खवातीन अब जिनको ड्राइविंग की इजाजत मिल गई रही है, कॉन्सर्ट्स की इजाजत मिल रही है, अगर इस तरह के कत्ल हुए होते तो वो इस तरह की स्टोरीज को भी मंजरे आम पर लेकर आती। तो मुझे नहीं पता कि इस तरह की कोई स्टोरी जो है मंजरे आम पर आई है। पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, और खास तौर पर जो आपका ये जो ईस्टर्न इंडिया है जो टुवर्ड्स पाकिस्तान, इस बेल्ट के अंदर गैरत के नाम पर कत्ल ज्यादा होते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इवन तुर्की के अंदर और ईरान के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर उस तरह से ऑनर किलिंग नहीं पाई जाती है जिस तरह से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पाई जाती है। सो आई रियली थिंक दैट दिस हैज मोर टू डू विद कल्चर एंड लेस विद रिलीजन, बट रिलीजन हैज प्रोटेक्टेड दिस ऑनर किलिंग बाय द लॉ ऑफ कसास एंड दियत। मदिया, शुरू में हमने विकिपीडिया से कुछ शेयर किए थे कि यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज में जो इमिग्रेंट्स आते हैं इराक से, टर्की से, अल्बेनिया से, और कुछ और कंट्री, अल्जीरिया, फ्रांस, नो सॉरी ट्यूनिशिया, मोरक्को, क्योंकि ये सारे प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो हमने देखा कि यहीं के जो 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 इमिग्रेंट्स थे वो ऑनर किलिंग या ऑनर बेस्ड वायलेंस कर रहे थे इन यूरोपियन कंट्रीज में। सो उससे अंदाजा होता है कि देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर, लाइट और शेम एसोसिएटेड विद वेमेन इन इन सारे मुस्लिम कंट्रीज में। या आई डेफिनेटली पाकिस्तान का कुछ ज्यादा ही जो ट्राइबल सिस्टम है वो भी यू नो इंटरट्वाइन। चूंकि खुद मैंने रिसेंटली पाकिस्तान छोड़ा है और अमेरिका आया हूँ, मेरी मदिहा आपकी बात सही है कि जो लोग इन ममालिक से आते हैं यूरोप में और अमेरिका में, अगर वो ऑनर किलिंग्स में मुलव्वस पाए जाते हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि इनकी सोसाइटीज के अंदर ऑनर किलिंग का चलन आम है, इसकी वजह ये है कि ये लोग इन मुआशरों में आकर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। जब ये देखते हैं कि इनकी बेटियां जो हैं वो क्लब्स में जा रही हैं या आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं या जीन्स पहन रही हैं या बॉयफ्रेंड रख रही हैं, तो वो जो चीजें उनकी सोसाइटीज में नॉर्मलाइज हैं तो वो यहाँ आकर एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। और उस वजह से जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो रिलीजन है उनको इस चीज के ऊपर प्रोटेक्शन देता है, तो फिर वो यहाँ पर ज्यादा इजी फील करते हैं। मैं समझता हूं कि मराकश का, सऊदी अरब का, या यूएई का, या टर्की का एक बंदा अपने मुल्क में रहकर ऑनर किलिंग कम करेगा, इन सोसाइटीज में आकर वो ऑनर किलिंग की जानिब ज्यादा माइल होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होगा। मदिया, ऑलराइट, यस, मेक सेंस, यस, एग्री विद यू। जी, तो आप मुझे कॉल कर रहे थे लेकिन आई वाज बिजी इन माय यू नो लाइव स्ट्रीम, मैं आपसे इसके बाद बात करती हूँ डिटेल। sure. जी, आई एम एक्चुअली वी वर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीम, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले हैं एंड आई हैव टू गो समवेयर। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग, और सॉरी मैं ऑल कॉलर्स नहीं ले सकती बिकॉज आई रियली हैव टू गो। तो डॉक्टर नाभा के साथ हेड्रियन, रुस्तम एंड अवेस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। Thanks a lot. Thanks. Thank you, Dr. Sabah. Thank you, everyone. Take care. Bye-bye. Bye, Rustam. Bye-bye.